एक्सीडेंट और कार्ज अवॉइडेंट, इन सब चीजों से कोई भी इमरजेंसी एक्सीडेंट हुआ है तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हमारा कैरिज एंड वैगन प्रॉब्लम है ड्यू टू ट्रेन पार्टिंग। अगर दो पार्ट में हो गई फिर भी हम कंट्रोल को बताएंगे, फिर वो आदमी भेजेगा। लोकोमोटिव कोई फेलियर है फिर भी हम कंट्रोल को बताएंगे, चेन पुलिंग एक्सेट्रा, इन सब केसेस में हम अवॉइड करने के लिए एमटीआरसी सिस्टम का यूज हुआ। नीड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये प्रोवाइडिंग मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन एमटीआरसी सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम शॉर्ट कमिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एमटीआरसी प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड स्टेबलाइज ड्राइवर टू कंट्रोल, गार्ड टू कंट्रोल, ड्राइवर टू स्टेशन मास्टर, ड्राइवर टू गार्ड एंड गार्ड टू ट्रेन क्यू। इतना कम्युनिकेशन हम एमटीआरसी के थ्रू कर सकते हैं। अभी वेस्टर्न रेलवे में अपना ये सिस्टम लगा हुआ है जो टेट्रा बेस सिस्टम है, जिसके थ्रू पे हम सारी कैब में इक्विपमेंट लगा रहता है, उसके थ्रू हम कंट्रोलर से भी बात कर सकते हैं, स्टेशन से भी बात कर सकते हैं और मोटरमैन टू गार्ड भी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, इवन जब ट्रेन फुल स्पीड में होगी तो भी। इन एडिशन टू अबव द सिस्टम आल्सो प्रोवाइड कम्युनिकेशन फ्रॉम मेंटेनेंस स्टाफ टू, हम वॉकी टाकी सेट दे दें तो सेम सिस्टम जो हमारा है उससे हम इनसे भी मेंटेनेंस स्टाफ जो भी अपना एसएनटी का स्टाफ है या संटिंग स्टाफ है वो इनसे बात कर सकता है। जो फर्स्ट एमटीआरसी सिस्टम आया इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला फर्स्ट एमटीआरसी सिस्टम क्या है, तो अपना फर्स्ट एमटीआरसी सिस्टम जो लगा था वो मुगल सराय से हावड़ा सेक्शन में लगा था। इसमें क्या था, ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन आज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन रेलवे एंड मुगल सराय हावड़ा सेक्शन इन 1980। तो एमटीआरसी सिस्टम जो अपना फर्स्ट आया इंडियन रेलवे में वो 1980 में आया, जो मुगल सराय से लेके हावड़ा डिवीजन में आया। ठीक है, द सिस्टम ऑपरेट इन VHF बैंड 147 टू 18 GHz। VHF बैंड का जो अपना बैंड होता है 147 से लेके उसी बैंड को यूज करते हुए यहाँ पे कम्युनिकेशन बैकबोन। ठीक है, फिर दूसरा सेक्शन है नागपुर इटारसी ऑप्टिकल फाइबर, जो माइक्रोवेव की बहुत सारी प्रॉब्लम थी तो नागपुर दूर इटारसी सेक्शन में जो सेकेंड नंबर आया, पहला 1980 में आया, दूसरा 1985 से 86 में आ गया। सोल्यूशन टू प्रोवाइड इमरजेंसी कंट्रोल इन दिस सेक्शन मोबाइल ट्रेन रेडियो रेडियो सिस्टम वाज इंस्टॉल्ड। द सिस्टम कैटर्स फॉर द फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, जो पास्ट वन सिस्टम लगा था उसमें हाफ डुप्लेक्स कॉल होती थी, इसकी कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर के बाद ये सिस्टम लगा और ट्रेन रेडियो 314 to 322 MHz बैंड विथ UFC कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें 147 यूज करते थे, इसमें UHF बैंड है, UHF बैंड जो अपना होता है 300 to 3000 MHz में। दिलाई मुगल सराय सेक्शन द सिस्टम कैटर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन ड्राइवर गार्ड एंड कंट्रोलर। द मोबाइल सिस्टम ऑपरेट इन थ्री, ये UHF बैंड में है, 3 to 300 3 14 to 322 MHz बैंड एंड द कम्युनिकेशन बैकबोन वर्क ऑन ए डिजिटल माइक्रोवेव। वहां पे पहले भी माइक्रोवेव लगा था मुगल सराय टू सेक्शन में, दिल्ली मुगल सराय सेक्शन में भी सेम सिस्टम को यूज किया, बस उसको अपग्रेड कर दिया। शॉर्ट कमिंग लिमिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, द सिस्टम इंस्टॉल्ड इन हावड़ा मुगल सराय सेक्शन ऑपरेट इन VHF बैंड एंड एज सच देयर आर प्रॉब्लम एंड कंपनी VHF बैंड का हमको पता है कि उसमें लाइन ऑफ साइट का प्रॉब्लम बहुत आता है। द सिस्टम आल्सो हैड द डिफिशियंसी ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टिव कॉलिंग एंड चैनल ब्लॉकिंग ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ चैनल, ऑल लोकोस रनिंग इन द एबव सेक्शन वेयर नॉट प्रोवाइडेड विद द मोबाइल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, द गार्ड वर नॉट प्रोवाइडेड विथ द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट एंड लैक ऑफ पावर सप्लाई। ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी तो ये सिस्टम हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ। कम्युनिकेशन ड्राइवर एंड गार्ड वर नॉट इम्प्लीमेंटेड, ड्राइवर गार्ड से बात नहीं कर सकता था, इसमें हैंडल दिए थे जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नियरेस्ट स्टेशन मास्टर से भी नहीं बात कर सकता था, बस कंट्रोलर से बात कर सकता था। मतलब इमरजेंसी सिस्टम जो था हमारा जो अभी लगा हुआ है उसका ये एडवांस वर्जन है। फिर हमारा है यूनिवर्सल कम्युनिकेशन सिस्टम, द सिस्टम वॉज इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंड वॉज डिजाइन टू प्रोवाइड इमरजेंसी कम्युनिकेशन बिटवीन ड्राइवर एंड गार्ड ऑफ द ट्रेन एंड वाइस वर्सा, ड्राइवर एंड स्टेशन। जितनी प्रॉब्लम थी वो यूएसए में हमारी सॉल्व हो गई, कि ड्राइवर गार्ड भी बात कर सकता है, ड्राइवर से स्टेशन मास्टर एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन भी कर सकता है। ऑल ट्रेन नॉट इक्विपमेंट इसमें भी था, सारी ट्रेन में लगा नहीं हुआ था तो
ट्रेन ड्यू टू कन्वीनियंट रेलवे वाज इनिशियली टेकन अप ओनली एज ए मींस ऑफ एन इंटरलेटिव। ठीक है, ये ठीक है। टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन एन ओपन स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है फिर तो प्रॉब्लम। द बैकबोन कम्युनिकेशन वे रेडियो ऑप्टिकल। ठीक है, ये तो हो गए। हमने बैकग्राउंड बैकग्राउंड दिया आपको कि एमटीआरसी सिस्टम कब आया, क्या हुआ। अब फ्यूचर ऑप्शन, इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी अपना इमरजेंसी कम्युनिकेशन में, उसमें तो उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आ गया अपना टेट्रा बेस सिस्टम, दूसरा आ गया जीएसएम आर बेस सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम लोग दो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी हमने देखा कि एमटीआरसी क्या होता है, इंडियन रेलवे में ये क्यों आया, एमटीआरसी का यूज क्या है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे टेट्रा सिस्टम एंड जीएसएम आर सिस्टम। ठीक है, तो टेट्रा बेस सिस्टम जो है ये अपना डिजिटल सिस्टम है, ट्रंकिंग स्टैंडर्ड। एक पहले होता था जो एनालॉग मिक्सर रहता था, जो कि एक्सचेंज वगैरह में भी हम यूज करते थे, ट्रंकिंग स्टैंडर्ड होता है। दे विल हैव टू बी सेट इन रेडियो टेलीफोन ट्विन ट्रंकिंग सिस्टम, फिक्स्ड नंबर ऑफ टेलीफोन लाइन एंड रेडियो चैनल आर इंस्टॉल्ड इन बेस, एंड जो ट्रंकिंग सिस्टम रहता है इंस्टॉल रहता था। फर्स्ट ट्रंक रेडियो स्टैंडर्ड जो था MPT 132C बनाया था, जो कि वेस्टर्न रेलवे में अपना लगा हुआ था, मुंबई में चर्च गेट से लेके टू विरार तक, MPT 132 सिस्टम। तो ये सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए टेट्रा बेस सिस्टम जो होता है, कैपेसिटी इसमें कम रहती है, तो ये इसको यूज करते हैं इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए। एडवांटेज ऑफ द डिजिटल ट्रंकिंग सिस्टम और एनालॉग ट्रंकिंग सिस्टम, मोर रिलायबल फ्लेक्सिबल, हैव कनेक्टिविटी विद इंटरनेट। अब ये ठीक है, ये तो ट्रंकिंग हो गया। डिसएडवांटेज डिजिटल ट्रंकिंग, ओनली डिसएडवांटेज इज दे हैव लो कवरेज रेंज एज कंपेयर्ड विद द एनालॉग ट्रंकिंग सिस्टम। टेट्रा क्या है, तो इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, टेट्रा का सबसे पहले फुल फॉर्म ही पूछता है, 90% टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ द टेट्रा। टेट्रा में क्या रहता है, और दूसरा यह है कि टेट्रा मीन्स डिजिटल। दो चीज याद करिए कि टेट्रा डिजिटल टेक्नोलॉजी है और टेट्रा जो है टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो का फुल फॉर्म होता है, और ये इमरजेंसी कम्युनिकेशन में चूज होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। एडवांस डिजिटल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर पब्लिक सेफ्टी सर्विस, यूटिलिटी, लोकल गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सर्विस के लिए। टेट्रा द न्यू यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉर द डिजिटल ट्रंकिंग, जो ट्रंकिंग हम एक्सचेंज में यूज करते हैं, एनालॉग ट्रंकिंग है, ट्रंकिंग है, उसको उसके लिए फिर यूरोपियन यूनियन ने एक बनाया स्टैंडर्ड फॉर द डिजिटल ट्रंकिंग के लिए, जिसका नाम दिया गया टेट्रा, टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो। इट इज द फर्स्ट ट्रोली ओपन डिजिटल प्राइवेट मोबाइल रेडियो। पीएमआर का भी फुल फॉर्म पूछता है, इट इज फर्स्ट ट्रोली ओपन डिजिटल प्राइवेट मोबाइल रेडियो स्टैंडर्ड, ये फर्स्ट इसको बनाया गया। द स्टैंडर्ड इज आइडेंटिफाइड द यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ETSI ने इसको डिजाइन किया था। तो इसका फुल फॉर्म है द स्टैंडर्ड इज डिफाइंड बाय द यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इमरजेंसी सर्विसेज यूजर हैव द कंट्रीब्यूट स्ट्रॉन्गली इन द क्रिएशन ऑफ द स्टैंडर्ड। फ्रीक्वेंसी रेंज इसमें दो बैंड होता है, 400 MHz एंड 800 MHz में। तो 400 MHz में होता है 380 to 400 फॉर पब्लिक सेफ्टी सिस्टम के लिए, और 410 to 430 MHz फॉर दी कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, 800 MHz कमर्शियल एप्लीकेशन है। तो टेट्रा बेस सिस्टम जो होता है, इसमें दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है। देखिए दीदी, ये टिपिकल टेट्रा नेटवर्क है। ठीक है, ये बीएस मतलब बेस स्टेशन है, आपके बेस स्टेशन दिए हुए हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये अपना बेस स्टेशन हो गया, इसकी रेंज जो होती है 10 to 15 किलोमीटर होती है, और ये इस तरह से कनेक्टेड रहता है, एनएमएस रहता है। अदर नेटवर्क से भी हम इसको
इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे ये देखो 6 PST × ISDN लगा हुआ है। अब आप ये देखें यहाँ पे है टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो टेट्रा, ठीक है। तो इसमें ये जो दिया हुआ बैकबोन, इसमें IP बैकबोन, इसको OFC बैकबोन अपना यूज करते हैं। बेस स्टेशन टू बेस स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं सारे बेस स्टेशन, ठीक है। इसमें ये पूछ सकता है कि एयर इंटरफेस, इसके वन रेडियो, ये कैब रेडियो तुम्हारा हो गया, आपका हो गया, ये कैब रेडियो है 1 2, इसके बीच में सिस्टम एयर इंटरफेस इंटरफेस है। और दूसरा एक फीचर होता है इसमें डायरेक्ट मोड, डायरेक्ट मोड इंटरफेस, जो कि सिर्फ टेट्रा में होता है। डायरेक्ट मोड में होता है कि जैसे हम कोई भी सिस्टम VHF यूज कर रहे हैं या कुछ भी यूज कर, तो आपको BTS तो चाहिए ही चाहिए, बिना BTS के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर इसमें यह है कि अगर आपके पास 3 हैंडसेट हैं, तो आप एक हैंडसेट को DMO मोड में डाल के उसको आप BTS बना के उस रेंज में जितने भी आपके हैंड हेल्ड है उससे आप बात कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि DMO मोड क्या होता है। DMO मोड ये होता है कि जो कि हम अपना वॉकी टाकी या रेडियो को DMO मोड में करके और दूसरे रेडियो से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इमरजेंसी कम्युनिकेशन में ये फीचर्स ओनली टेट्रा में है कि आप अगर कहीं पे हैं, आपका BTS काम नहीं कर रहा है, आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो आप एक हैंड हेल्ड को DMO मोड में करिए और एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हेलो कोई पार्टिसिपेंट, हेलो आवाज आ रही है कोई? आ रही सर आ रही आवाज आ रही है, आ रही। कुछ डाउट हो तो पूछिए, मैं मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपके हिसाब से पढ़ाऊँ, मैं तो ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ, बताइए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, 382 400 MHz में है। और यहाँ पे जो है अपना मुंबई में जो लगा हुआ है 6 6 BTS लगे हुए हैं, और 6 BTS पे इसमें दो आर्किटेक्चर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक सेंट्रलाइज। तो अपने यहाँ जो मुंबई में लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इसमें सर्वर नहीं होता, बीच में कोई सर्वर नहीं होगा, सारे BTS को एक दूसरे से रिंग में कनेक्ट कर दो 2 MBPS पे और वो चलता रहेगा, सारे BTS अपना काम करेंगे। और कोई भी BTS में आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कोई भी BTS हो, चाहे GSM-R हो चाहे जो हो, तो एक BTS होगा तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, एक BSC होगा, जो भी आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो एक BTS लगता है और एक BSC लगता है। तो अभी मुंबई में जो लगा है उसमें 6 BTS लगे हैं और 6 BSC लगा हुआ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, तो एक BTS को एक BSC दिया हुआ है, ठीक है। और वो 2 MBPS एक दूसरे से IP पे कनेक्टिविटी रहे, तो कहीं से भी कुछ फेलियर होगा तो एक रिंग टोपोलॉजी में चलता है। और जो यहाँ पे रेडियो लगे हैं वो 10 वाट का BTS है, ये भी नोट कर लीजिएगा, 10 वाट का BTS है और 10 वाट का ही अपना कैब रेडियो है। तो अगर वाटेज पूछेगा तो 10 10 वाट का सब कुछ है, ठीक है। हाँ, ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये देखिए, ये बेस स्टेशन एकदम मुंबई में एग्जैक्टली ऐसे ही लगा है, इसमें तो दिखा नहीं है, इसको हमने रिंग भी कर दिया है, मतलब ये बेस स्टेशन जो है यहाँ पे अपना एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो रिंग टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे अगर इससे कुछ भी लगाना है तो एक गेटवे लगा देते हैं, गेटवे से अपना ये PSDN लगा हुआ है, जिससे कि हम ऑटो फोन से भी बात कर सकते हैं। एक गेटवे और लगा हुआ है मुंबई में जो कि TMS है, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। एक ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है जिसमें क्या रहता है कि जितने भी, जैसे अपना सिग्नल में होंगे ना आप लोग, तो सिग्नल ठीक है, तो जो भी पैनल है आपके लगे हुए, उस पैनल को हम सेक्शन में आपके जितने पैनल हैं उस पैनल को हम सारा कंबाइंड करके एक बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं, उसको ट्रेन मैनेजर सिस्टम देते हैं, ट्रेन मैनेजर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि जितना भी आपका पैनल सेक्शन में है वो सारे की रिप्लिका दिखेगी और एक दूसरे को दिखेगा कि भाई ये ट्रेन का क्या है और ये ट्रेन कहाँ जा रही है, सिग्नल का स्टेटस क्या है, उसका रूट क्या है और सिग्नल को ट्रेन नंबर क्या दिया हुआ है। तो उस ट्रेन नंबर को इंफॉर्मेशन, जैसे अभी कोई कैब रेडियो है, ये रेडियो है अपना, तो अभी इसका हमको नंबर नहीं पता रहता क्योंकि वो मोटरमैन चेंज होता रहता है, अगर ट्रेन नंबर भी चेंज होती रहती है, तो ट्रेन नंबर वाली जो इंफॉर्मेशन है वो TMS से उठाते हैं, ट्रेन मैनेजर सिस्टम से। तो उसके लिए भी एक गेटवे लगा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाई TMS से टेट्रा बेस सिस्टम कनेक्टेड है, यस, जो कि गेटवे के थ्रू कनेक्टेड है, जिससे कि हम ट्रेन आईडी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ?
हेलो, और कोई डाउट? अब टेट्रा इज सुपीरियर पीएमआर टेक्नोलॉजी, इंडिविजुअल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, डायरेक्ट मोड कम्युनिकेशन, ये टेट्रा जो पीएमआर था उस टेक्नोलॉजी से सुपीरियर है। फ्रीक्वेंसी इकोनॉमी रहती है इसमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम इसको रीयूज करते हैं, और एक फ्रीक्वेंसी में इसमें क्या है, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी रहती है, उसमें टाइम स्लॉट रहते हैं, इसमें टीडीएम में यूज करते हैं। तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी में चार कॉल, वो कॉन कंट्रोल हो गया, और तीन अपना, अभी आगे बताता हूँ, टेट्रा वॉइस एंड डेटा सर्विस। इसमें मैसेजिंग भी कर सकते हैं, पर इसकी 25 KBPS रहता है, तो ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं भेज सकते, लेकिन मैसेज हम कर सकते हैं। सर्किट स्विचिंग मोड, कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट डेटा एंड कनेक्शन लेस पैकेट डेटा दोनों है। टेली सर्विस में क्या है, स्पीच फॉर इंडिविजुअल कॉल, ग्रुप कॉल कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट ग्रुप कॉल, ब्रॉडकास्ट कॉल। इसमें और फीचर है, हम इंडिविजुअल कॉल कर सकते हैं, ग्रुप कॉल भी कर सकते हैं, और ब्रॉडकास्ट कॉल कर सकते हैं। मुंबई में इसका बहुत यूज होता है, ब्रॉडकास्ट कॉल में अगर कोई सिग्नल फेल हो गया तो सारी गाड़ियां लाइनअप से लग जाती हैं, तो उसके लिए कंट्रोलर जो बैठा है, ब्रॉडकास्ट मतलब वन टू मेनी, सबको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इस कॉल के थ्रू वो सबको बताता है कि सारे मोटर मैन गार्ड को कि भाई यहाँ सिग्नल फेल हो गया इसलिए आपकी गाड़ी खड़ी है। उसमें एक फीचर और है कि हम पब्लिक अनाउंसमेंट, उसी अनाउंसमेंट को पब्लिक के लिए भी रिले कर सकते हैं। टू इंश्योर एंड ओपन मल्टी वेंडर मार्केट, टेट्रा स्पेसिफाई दी फॉलोइंग एसेंशियल इंटरफेस। एयर इंटरफेस जो अपना BTS टू कैब रेडियो के बीच में रहता है, डिफरेंट मैन्युफैक्चर। टेट्रा की एक और है, इनमें इंटरऑपरेबिलिटी रहती है, जैसे हम लोगों का रहता है GSM चल रहा है, जैसे LTE यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, तो आप कोई भी मोबाइल खरीद लीजिए आपका चलता है, उसमें ये नहीं है कि अगर BTS उसने सीबिंस का या जिसका भी लगाया है तो उसको यूज करें मोबाइल, नहीं, वही चीज टेट्रा में है कि टेट्रा नेटवर्क में आप किसी का भी रेडियो लेके आओ आपको चलेगा उसमें, ठीक है। टर्मिनल इक्विपमेंट इंटरफेस चलते हैं, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट मोबाइल डेटा एप्लीकेशन, इंटर सिस्टम अलाउ द इंटर कनेक्शन ऑफ टेट्रा नेटवर्क फॉर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, और डायरेक्ट मोड ऑपरेशन गारंटी द कम्युनिकेशन बिटवीन टर्मिनल कवरेज, प्लीज रिफर, ठीक है। ये देखो डीएमओ मोड जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, कि ये डीएमओ मोड कर दिए इसको, तो एक दूसरे से अपना आप बात कर सकते हैं। ये BTS आपका फेल हो गया है, बेस स्टेशन स्विच बेस स्टेशन कंट्रोलर यहाँ पे देखिए कटा हुआ है, तो ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ISI इंटरफेस हो गया, यहाँ पे एयर इंटरफेस हो गया, और ये TI इंटरफेस हो गया, ये होना टर्मिनल इक्विपमेंट इंटरफेस। टर्मिनल इक्विपमेंट मतलब कोई PC वगैरह आप कनेक्ट किए हैं तो उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो रेडियो तो डीएमओ में ही रहेगा ना, आपको डीएमओ में अगर डाल दिए हैं तो वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। देखिए डीएमओ मोड में है ना, एक रेडियो दूसरा लिया होगा और यहाँ एक दूसरे से बात करा डीएमओ मोड में, उसको ये BTS की जरूरत नहीं है, ये वाला जो BTS है, इस BTS को सिग्नल है ये वाला, यहाँ पे इसके पास सिग्नल नहीं है ये वाला जो रेडियो है आपको, तो हमने डीएमओ मोड में डाल के यहाँ से बात कर लिया, क्योंकि ये इसकी रेंज में है, तो BTS का यूज ही नहीं कर रहा है। ट्रांसिव हाँ ट्रांसीव दोनों हो सकते हैं, एज ए BTS काम करेगा वो, इतना इसको पावर रहता है, मतलब BTS आप कुछ पावर आप कर दें तो भी आपकी बात होगी। इसमें 4-to-1 TDM में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज होता है, TDM में यूज होता है, कितना TDM में, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 25 KHz का इसमें कैरियर स्पेसिंग रहती है। इसमें क्या है कि जैसे एक टेट्रा सिस्टम जो रहता है तो उसमें एक कैरियर फ्रीक्वेंसी रहती है, और उस कैरियर फ्रीक्वेंसी में चार टाइम स्लॉट होते हैं, तो एक टाइम स्लॉट कंट्रोल के लिए हो गया, यहाँ पे दिया होने से 4 यूजर चैनल इंटरलेव्ड इनटू 125 KHz कैरियर, ठीक है। इसमें दो, ये वन कैरियर जो है वो मतलब दो BTS को, एक BTS में जो है चार टाइम स्लॉट रहते हैं, तो एक कैरियर जो है वो दो BTS को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है कि वन कैरियर हो गया लेकिन 8 टाइम स्लॉट में, और हाफ डुप्लेक्स में एक टाइम स्लॉट वो यूज करता है,
अब फुल डुप्लेक्स करेंगे तो दो टाइम स्लॉट यूज कर सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है एक बीटीएस है तो आपको तीन टाइम स्लॉट बचेंगे, तो थ्री हाफ डुप्लेक्स कॉल कर सकते हैं या तो वन फुल डुप्लेक्स। लेकिन अगर दो बीटीएस एक साथ लगे एक ही जगह, तो बीटीएस आप लगा सकते हैं। एक बीएससी दो बीटीएस को कंट्रोल कर सकती है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब अगर दो बीटीएस आपने लगाया तो 7 4 3 जो है फुल डुप्लेक्स एंड 1 हाफ डुप्लेक्स कॉल हो जाएगी। ठीक है, डिजिटल मॉड्यूलेशन 5/4 DQPS के एट 36 kbps। यहाँ पे ये सब बताया हुआ है, मल्टीपेट ये सब आप जाने दो, जितना कठिन तो पूछेगा नहीं। टेट्रा टेक्नोलॉजी 4 चैनल टीडीए में एक्सीलेंट स्पेक्ट्रम करें, 4 चैनल ही ने 125 kHz, वही जो आपको बताया। ट्रंकिंग कंट्रोलर यूज दी शेयर नेटवर्क। टेट्रा कनेक्टिविटी के बारे में आपको बता दिया कि टेट्रा से आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो। ISDN देखो लिखा है ना, 2B+1D प्लस 30B+1D। अब पब्लिक डेटा नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, लैन वैन हो गया, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो गया, जिससे भी आप कनेक्ट करना है सबसे कनेक्ट करते हैं। टेट्रा ओपन नेटवर्क है। टेट्रा कॉल टप प्राइवेट कॉल इंडिविजुअल कॉल हो गया, PSTN फोन कॉल हो गया, ग्रुप कॉल हो गया, इमरजेंसी कॉल में इसमें एक दिया हो रहता है ओवरराइड फैसिलिटी के लिए, कि आप उसको प्रेस करके जो भी अदर कॉल है रेड बटन दिया रहता है तो प्री डिफाइंड बटन रहती है, आप उसको वन टच है उसको डायल प्रेस करेंगे तो कॉल वो कंट्रोलर के पास चला जाएगा। टेट्रा दिया हुआ है। सिंप्लेक्स कॉल मोबाइल इज आइदर ट्रांसमिटिंग आर रिसीविंग रिक्वायर ऑपरेशन ऑफ PTT स्विच पुश टू टॉक बटन। ग्रुप कॉल जो रहती है ऑलवेज सिंप्लेक्स में रहती है, इसमें ग्रुप कॉल होती है, आप जितना चाहे वहां यूजर बना सकते हैं और ग्रुप कॉल कर सकते हैं। ये देखिए वहां रिंग किया इसने, ये यहाँ से रिंग किया, तो वन वे दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। डुप्लेक्स कॉल मोबाइल इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीविंग लाइक GSM फोन। ये देखो इसमें PTT की जरूरत नहीं, यहाँ से आप रिंग कर रहे हैं एक साथ, लेकिन इसमें दो टाइम स्लॉट आपका यूज हो जाएगा फुल डुप्लेक्स में। ट्रंकिंग ऑप्शन ओनली अप्लाई टू सिंप्लेक्स कॉल, अप्लाइज टू प्राइवेट सिंप्लेक्स कॉल, मैसेज ट्रंकिंग जरूरत नहीं है, ट्रांसमिशन ट्रंकिंग। ठीक है, इसमें ट्रैफिक है एलोकेटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, ये ट्रांसमिशन पर कही है, ट्रैफिक चैनल इज एलोकेटेड डिमांड फॉर इश्यू। ठीक है, ट्रैफिक चैनल भी हेलो आप बात करते रहे आपको ट्रैफिक चैनल तभी मिल जाएगा। ये तो PSTN से आप इस तरह से यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से रिंग करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा अपना। यहाँ BTS से आपका जो भी गेटवे लगाए हो BTS से लगाए, आप यहाँ से रिंग कर रहे हैं लेकिन जहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हैं गेटवे वहाँ पे रिंग हो जाएगी। ठीक है, ग्रुप कॉल ये देखो, ये कॉल बिटवीन दी मोर देन टू पार्टी कॉल इज ऑलवेज सिंप्लेक्स एंड डायरेक्ट सेटअप। आपने यहाँ से रिंग किया इन्होंने और सबको जा रही है, अब जिसको भी बात करना है वो PTT प्रेस करेगा तो उसको बात करने लगेगा। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ मुंबई में लगे हुए हैं। डिस्पैचर क्या होता है? डिस्पैचर एक PC बेस्ड अनाउंसमेंट होता है, IP फोन समझ लो। डिस्पैचर क्या है? IP बेस्ड फोन है, PC बेस्ड कम्युनिकेशन है। तो यहाँ दो डिस्पैचर लगे रहते हैं कंट्रोलर पर में, जिसको कि वो माउस से क्लिक करेगा और बात कर लेगा। MMI क्या होता है? मैन मशीन इंटरफेस, जो कि GSM में होता है और इसमें भी वही है मैन मशीन इंटरफेस, जिसमें कि नंबर स्कीम रहती है और सब सारा चीज रहता है। अपना मोबाइल फोन जो है उसी को MMI बोलते हैं, इसको एडवांस वर्जन में। इट जो आपको बताया था पहले रेक लिंक बाइंडिंग विद ट्रेन नंबर, इट TMS लेता है ट्रेन मैनेजर सिस्टम से जो कि इंटीग्रेटेड है, वहां से इसको लिंक किया हुआ है। एडवांटेज ऑफ टेट्रावर फ्यूचर टेक्नोलॉजी इफिशियंसी फ्लेक्सिबिलिटी, ये हो गया। अब GSM ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख लीजिएगा कि ये क्या है डिफरेंस बिटवीन GSM एंड टेट्रा सिस्टम, डिजाइन फॉर द पब्लिक सेलुलर, डिजाइन फॉर द प्रोफेशनल मोबाइल रेडियो नेटवर्क बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी डिवीजन, FDMA एंड TDMA दोनों होता है GSM में, टेट्रा में सिर्फ TDMA होता है।
ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जीएसएम में दोनों होता है, याद रखिएगा, एफडीएम टीडीएम में, और इसमें जो रहता है सिर्फ टीडीएम में होता है। ठीक है, तो टेट्रा खत्म हो गया, टेट्रा आपका एक टेक्नोलॉजी। इसमें किसी को डाउट है, क्योंकि मेरा पढ़ाने से ज्यादा है आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ज्यादा टेक्नोलॉजी पढ़ा नहीं रहा, अभी दूसरे में देखेंगे क्या क्या है। इसमें किसी को कोई डाउट, और कोई भाई? आगे चलें। हाँ हाँ ये देखिए इंटरफेसेस दिया हुआ है, यहाँ पे एयर इंटरफेस है, ठीक है, और बाकी अच्छा ये वाला नहीं। ये देखिए एयर इंटरफेस, ये वाला ना, एयर इंटरफेस तो वही होता है अपना, बीटीएस से लेके अपना ट्रेन रेडियो, वो रेडियो जो भी है, ये हो गया आपका एयर इंटरफेस। और टर्मिनल इंटरफेस ये हो गया, रिलेट द इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल डेटा एप्लीकेशन, मतलब पीसी से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई समझ लो इसको, इसको वाईफाई, तो टर्मिनल इक्विपमेंट इंटरफेस उसको बोलते हैं। इंटर सिस्टम अलाउ द इंटर कनेक्शन ISI, मतलब और 2 MBP जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब एक टेट्रा नेटवर्क दूसरे टेट्रा नेटवर्क से, ये ISI बोलते हैं, इंटर सिस्टम इंटरफेस बोलते हैं इसको। और तीसरा हो गया डायरेक्ट मोड DMO, यही इंटरफेस है इसमें। MTRC हो गया, वेस्टर्न रेलवे का आप टेट्रा थोड़ा देख लो, फोटो समझ में आएगा आपको। ये सिस्टम हो गया इसमें, ये वाकी टाकी से कंपेरिजन है कि उसमें क्या रहता है, स्मॉल रेंज, इसमें लार्ज रेंज रहती है 60 किलोमीटर तक, एनालॉग में जो है डेटा सपोर्ट नहीं रहता है, इसमें डेटा कम्युनिकेशन, स्पेक्ट्रम इनफिशिएंसी, इसमें स्पेक्ट्रम इनफिशिएंसी रहती है, क्योंकि ये GSM के जैसा है तो अपना पैकेज यूज कर सकते हैं। इसमें GPS भी लगा हुआ है, हाँ वो छूट गया था, GPS भी लगा हुआ है, जो एंटीना कैब रेडियो में लगे हैं, तो उसके थ्रू हम डिस्पैचर पे उसका लोकेशन देख सकते हैं कि भाई ये ट्रेन कहाँ पे है, तो ये इसका एडवांस वर्जन। टेक्निकल डिटेल जो आपको अभी बता रहे थे, BTS का 10 वाट का है, कैब रेडियो भी 10 वाट के हैं। क्या हो गया, कैसे हो गया? ठीक है, BTS एंटीना गेन 7.dBi, कैब एंटीना गेन 5 dBi है, इतना पूछेगा नहीं आपसे। ये देखिए स्ट्रक्चर है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये अपना ये वेस्टर्न रेलवे में जो लगा हुआ है, ये देखिए एकदम क्लियर कट है, सारे ये BTS लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो, इसको जो टावर के ऊपर लगता है उसको BTS बोलते हैं, जो नीचे लगा है उसको क्या बोलते हैं, SB सर्विस बस, इसको BSC बोलते हैं। ठीक है, तो ये BSC हो गया। हाँ शेयर नहीं हो रही है, 1 मिनट, स्क्रीन क्यों बंद हो गई? ठीक अभी दिख रहा है। ये देखिए अपना, ये अपना वेस्टर्न रेलवे का पिक्चर अपना लगा हुआ है, तो ये BTS बोलते हैं, ये BSC हो गया, OFC बैकबोन से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आपकी ट्रेन हो गई, ट्रेन में कैब रेडियो लगा है, ऊपर लो प्रोफाइल एंटीना लगा है, ये अपना MMI है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गेटवे लगा है, ये TMS गेटवे है, गेटवे मींस एक पीसी रहती है, उसमें सर्वर, पीसी से सर्वर रहता है, उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, बस यही है। ये आपका MMI हो गया, जो मैन मशीन इंटरफेस बता रहे थे, यहाँ पे ये वन टच बटन दिए हुए जिसके थ्रू आप बात कर सकते हो। ये देखिए आपका आपका कैब रेडियो हो गया, ये हैंडसेट हो गया, ऐसे GSM में भी सेम था, GSM GSMR जो आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए एंटीना जो लगते हैं, इसको लो प्रोफाइल एंटीना बोलते हैं, मतलब एकदम रहता है। ये आपका कैब रेडियो हो गया, ये आपका पावर सप्लाई हो, ये स्पीकर लगा हुआ है। ठीक
ठीक है, ये देखिए आपका BSC हो गया जो नीचे लगा हुआ है, और ये आपका BDS है। आप लोग बाहर जाते होंगे तो कहीं कहीं आप देखते होंगे लगा है, ये एंटीना ओमनी डायरेक्शनल लगा हुआ है, दिस इज ए GPS एंटीना। ये डिस्पैचर है, डिस्पैचर का स्क्रीन है जो भी दिया, और ये देखिए आपको लोकेशन दिखा रहा है कि कहाँ पे क्या है, ये वॉइस एंड डेटा लॉग सिस्टम है बस। अभी क्या चालू, BHF चालू करें कि टेट्रा और कौन सा है? ये आपका देखिए इर्सेट का PPT है, क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग स्टैंडर्ड इसी से आते हैं, इर्सेट से ही आते हैं लगभग। उसी का साथ में 5 to 20 GSMR वेरी लेस परसेंटेज है, मोबाइल फोन एवरेज ड्राइवर गार्ड द डिस्ट्रीब्यूट एडवांटेज जो मैंने आपको बताया था, 500 मीटर जाता पड़ता है उसी का है, सेम एस ओवर फैसिलिटी होती है, ड्राइवर का इतना मेंटेनेंस स्टाफ टू। हो गया ना, अभी आपको हम बता देते हैं सेलुलर। देखो इससे भी एक दो क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन मैं धीरे से पढ़ा आराम से पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। सेलुलर मतलब कि जैसे GSM और GSMR जो भी है, तो उसके पहले हमको उनको बना, सेलुलर मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट इज सेलुलर रेडियो एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर फॉर्म ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। द फेडरल कम्युनिकेशन है डिफाइंड ए सेलुलर सिस्टम एज ए, सेलुलर सिस्टम मतलब कि GSM GSMR का जो आर्किटेक्चर डिजाइन होता है वो इस बेस्ड पे डिजाइन होता है। इसमें हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी प्लानिंग क्या है, कोई BTS को कितना दूर रख सकते हैं, सेबन लेयर क्या होता है, सेबन सेगमेंट क्या होता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। ये हाई कैपेसिटी लैंड मोबाइल सिस्टम इन विच असाइंड स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चैनल विच आर असाइंड इन ए ग्रुप टू जियोग्राफिक सेल कवरिंग ए सेलुलर जियोग्राफिकल सर्विस एरिया। इसमें क्या करते हैं अभी आगे देखेंगे, लार्ज सब्सक्राइबर कैपेबिलिटी जो GSM LTE है सब में, ये मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कोई भी सेलुलर मोबाइल सिस्टम है उसका बेस इसी से डिजाइन होता है कि वहां पे कितने BTS लगेंगे, एक BTS दूसरे BTS से कितना दूर रहना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें आती है। द सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ दी सर्विंग मेनी थाउजेंड ऑफ मोबाइल यूजर विद इन ए लोकल सर्विंग। स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन, फ्रिक्वेंसी रीयूज, जैसे कितने दूर के बाद में हम फ्रिक्वेंसी को रीयूज कर सकते हैं। नेशन वाइड कैपेबिलिटी, द मोबाइल यूजर शुड बी एबल टू यूज देयर इक्विपमेंट इवन थॉर एक मोबाइल यूज किए और उसको दूसरी जगह गए तो सेम मोबाइल यूज कर रहे हैं। एडाप्टेबिलिटी टू ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी विल डिफर फ्रॉम द वन पॉइंट इन सिल्वर, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड अफोर्डेबिलिटी। अब सेल्स क्या है, सेल्स आर डिफाइंड एज ए इंडिविजुअल सर्विस एरिया, ईच ऑफ व्हिच एज ए असाइंड ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट चैनल असाइंड टू इट फ्रॉम द अवेलेबल स्पेक्ट्रम, जो भी स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उससे वो असाइन करता है चैनल्स, तो इसको बोलते हैं सेलुलर जियोमेट्री। ए सिस्टम कैन गो जियोग्राफिकली बाई एडिंग न्यू सेल्स। अगर हमने मान लो कोई एरिया में लिया, एक स्मॉल सिटी लिया, और वहां पे फिर नंबर ऑफ पब्लिक बढ़ते गए तो एक और BTS लगा देते हैं, तो वो कितना दूर पे लगाएंगे उसको बोलते हैं सेलुलर। बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी ए मिनिमम ओवरलैप टू प्रोवाइड सीमलेस सेंड ऑफ फॉर द रोमिंग सब्सक्राइबर, दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग जियोमेट्रिकली पैटर्न स्ट्रक्चर फॉर द सेल्स। इरेगुलर सेल स्ट्रक्चर वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिगर्ड इनिशियली एंड अपग्रेड इन फ्यूचर। अब सेल जो आपकी रहती है, सेफ सम एरिया वुड हैव बी नो कवरेज एट ऑल अनलेस हैवी ओवरलैपिंग इज यूज्ड। सो रेगुलर पॉलीगॉन शेप्स, इक्विलेटरल ट्रेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन वेयर दी मेन चॉइसेस इनिशियली। अभी इसमें बता रहे हैं कि जो आपका सेल होगा, सेल मतलब आप समझ सकते हैं एक BTS, एक BTS जो होगा उसका कवरेज हम कैसे देखेंगे, सर्कल में ले लो कि
कि भाई एक बीटीएस पीच में लगा दिए और हम उसके चारों तरफ सिग्नल देख लेंगे, क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल एंटीना लगाते हैं कि भाई इसका सिग्नल कवरेज कितना कितना आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को इसको करने के लिए इतना अपने पास ऑप्शन था। तो हेक्सा, तो इफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन एज ए सेंटर ऑफ सेल द मैक्सिमम कवरेज एरिया जो फ्रॉम दी हेक्सागोनल सेल, तो इन सब स्ट्रक्चर में देखा गया कि हेक्सागोनल सेल जो है बेस्ट है। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई इसमें क्या रहते हैं, यूज करते हैं, तो सेलुलर सिस्टम में जो अपना वो रहता है वो हेक्सागोनल सेल रहता है, सेल जो है हेक्सागोनल के सेल में रहता है। द मेन एडवांटेज हेक्सागोनल सेल इज द लेआउट नीड्स ए मिनिमम नंबर ऑफ सेल टू कवर ए गिवन एरिया, दैट इज ए लेसर नंबर ऑफ ट्रांसमिशन साइट आर नीडेड। मतलब अगर आप सर्कल सर्कल करेंगे तो मान लो 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर में आप 5 BTS लगा रहे हैं, तो अगर उसी को हमने हेक्सागोनल यूज किया तो 5 का वो 3 हो गया, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। इंस्टॉलेशन मेंटेन इन फैक्ट वी कवर 30% मोर एरिया देन स्क्वायर सेल एंड 100% मोर देन ट्रेंगुलर सेल। ठीक है, स्क्वायर सेल अगर यूज करेंगे तो उससे हम हेक्सागोनल सेल में 30% कम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रीयूजेज अलाउ द डिस्क्रीट चैनल असाइन टू ए स्पेसिफिक सेल टू द यूज अगेन इन एनी सेल विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द असाइंड सेल बाय एनफ डिस्टेंस टू प्रिवेंट को चैनल इंटरफेरेंस। को चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है कि मतलब अगर एक ही सेम फ्रिक्वेंसी आप यूज करेंगे और दूसरा वाला भी यूज करेगा तो उसमें नॉइसेस, को चैनल इंटरफेरेंस, उसका नॉइस आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। द चैनल फ्रिक्वेंसी कैन बी यूज एटलीस्ट 2 सेल्स अवे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो चैनल फ्रीक्वेंसी ए जीएसएम आर में पूछता है, जीएसएम की बात कर रहे हैं अभी हम जो लोग पढ़ रहे हैं जीएसएम एंड जीएसएम आर। ठीक है, तो चैनल फ्रीक्वेंसी कैन बी रियूज एटलीस्ट 2 सेल्स अवे, मिनिमम आपको 2 सेल, अगर कोई एफ फोन लिए हो तो आपको F2 F3 के बाद ही F4 में ही आप एफ फोन रिपीट कर सकते हो। तो आप इसको नोट कर लेना कि 2 चैनल के 2 सेल्स अवे जो है चैनल फ्रिक्वेंसी हम रीयूज करते हैं। द सेल्स आर जनरली ग्रुप 4, 7, 12 और 21 सेल, दिस ग्रुप्स आर बेटर कॉल्ड ए क्लस्टर। फोर मिनिमम 4 का बनाते हैं, 4, 7, 12 मतलब 3, फिर 5, फिर 21 सेल, इतने का हम एक क्लस्टर बनाते हैं। ये देखिए आपका आ गया हेक्सागोनल, मतलब यहाँ पे 1 BTS, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा आप बना सकते हैं, इतने बीटीएस को बनाएंगे आप, तो इसको क्या बोलते हैं हेक्सागोनल सेल। द फ्रीक्वेंसी रियूज कंसिडर बेस्ड ऑन असाइनिंग ए ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल टू सेल टू कवर ए लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, सेम चैनल आर नॉट रिपीटेड इन एडजेसेंट चैनल यूज ओनली वंस इन ए क्लस्टर, इसको बोलते हैं क्लस्टर। ये जो 7 सेल बना दिया इसको बीटीएस को, इसको बोलेंगे क्लस्टर। द कवरेज एरिया ऑफ सेल इज कॉल्ड ए फुटप्रिंट, इट शुड नोटेड बी हेक्सागोनल कंसिडर, इट इज मोर लाइक ए डिस्टॉर्टेड सर्कल इन दिस क्लस्टर ऑफ द हेक्सागोनल सेल। द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में डिजाइन सेल इक्वल टू 1.72 टाइम्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड वर्टेक्स ऑफ द सेल। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी एक दूसरे की सेल की इक्वल होगी 1.732 टाइम्स टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड वर्टेक्स ऑफ द सेल। वर्टेक्स और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगी उससे हम 1.73 टाइम्स जो है उतना दूर रखेंगे एक दूसरी सेल को। द फ्रीक्वेंसी यूज इन सेल इन ए क्लस्टर ऑफ 7 सेल ईच हैविंग ए डिस्टेंस आर बिटवीन द सेंटर एंड वर्टेक्स 4 पॉइंट, ये जरूरत नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर अप टू 1.72 आर द रेशियो डी बाई आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इज रिड्यूस को चैनल इंटरफेरेंस विल इंक्रीज एंड इफ इट इज इंक्रीज द ट्रैफिक कैरिंग कैपेसिटी। एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछता है जीएसएम का, बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी रीयूज उसको रहता है कि किसको अलाट करते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर किसको जा देते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि एक को हाई रहता है एक लो, तो जो सेल रहती है जैसे यहाँ पे आ जाते हैं ये सेल है यहाँ पे, तो अगर कोई भी रेडियो अगर आपका बीच में है तो उसको हम जो रहता है लो फ्रिक्वेंसी रीयूज फैक्टर का चैनल देंगे, और अगर ये यहाँ पे है इस इधर है तो इसको हाई हाई फ्रिक्वेंसी रीयूज फैक्टर देखेंगे। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है और इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, तो जितना आपके पास सिग्नल स्ट्रांग रहेगा उतना आपको कम फ्रिक्वेंसी रीयूज फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इफ इट रिड्यूस को चैनल इंटरफेरेंस इंक्रीज एंड इफ इट इज इंक्रीज द ट्रैफिक कनेक्टिविटी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रीयूज इंप्लीमेंटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 2 और मोर ग्रुप्स ऑफ म्यूचुअली एक्सप्रेशन।
ये देखो जो आपको बता रहे, मोबाइल हैंडसेट विद हाईएस्ट सिग्नल टू रेशियो इज असाइंड ए चैनल विद लोअर यूज फैक्टर, जो बोल रहे थे चैनल फ्रीक्वेंसी, चैनल विद लोअर यूज फैक्टर और विद इन द लोअर सिग्नल टू नॉइज रेशियो गेट्स ए चैनल फ्रॉम ए गुड फार्मिंग हायर यूज फैक्टर। ठीक है, तो जिसके पास कैपेसिटी कम रहेगी उसको हायर यूज फैक्टर दे दो और जिसके पास ज्यादा है उसको लो दे दो। टिपिकली हैंडसेट नियर द सेल आर एलोकेटेड चैनल फ्रॉम द लो फ्रिक्वेंसी यूज फैक्टर। ठीक है, ये क्लियर है, ये इसमें इम्पोर्टेंट यही इतना है, ये और दो सेल अवे रखते हैं, बाकी तो स्टोरी। इन हेक्सागोनल सेल क्लस्टर देयर इज ऑलवेज इंटरफेरेंस इन सिक्स एडजेसेंट सेल, मिनिमम सिक्स सिक्स में रहता है। दिस को चैनल इंटरफेरेंस अकर एट द सेल साइट एज वेल एट द मोबाइल हैंडसेट इन द सेंटर सेल। वीके सिग्नल फ्रॉम इस वन सेल साइट बट इट मे बी गेटिंग मैक्स इंटरफेरेंस सिग्नल फ्रॉम दी रिसेप्शन, दस द सिग्नल टू रेडियो मे बी ड्रॉप डाउन फ्रॉम द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 80 dB। 80 dB इसका मिनिमम रहता है कि कोई भी अगर हम दूसरा सेल कहाँ पे लेंगे जहाँ पे उसका सिग्नल टू रेशियो 80 dB से कम आएगा। इट वाज सीन द इंक्रीजिंग डीआर रेशियो द सॉल्यूशन बट दिस रिक्वायर्ड दैट सेल क्लस्टर साइज इंक्रीज टू 9 to 12, DBR रेशियो ज्यादा चाहिए तो 9 to 12 चाहिए। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल इन क्लस्टर ए डायरेक्शनल एंटीना इज बेटर सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग द को चैनल इंटरफेरेंस। तो को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए कौन सा एंटीना यूज करते हैं? डायरेक्शनल एंटीना। इस सेल इज नाउ डिवाइडेड इनटू 3 RC सेक्टर एंड यूज 3 RC डायरेक्शनल एंटीना एट द बेस स्टेशन। अभी हमने क्या यूज किया था यहाँ पे? ओमनी डायरेक्शनल एंटीना यूज किया था, एक ही एंटीना था और चारों तरफ वो देता था, तो उसके लिए हमको 12 चाहिए, नॉट 9 to 10, 12। तो उसको उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो को चैनल इसमें पूछेगा जीएसएम में कि को चैनल इंटरफेरेंस कैसे यूज कर खत्म करते हैं, तो क्या यूज करते हैं? डायरेक्शनल एंटीना। डायरेक्शनल एंटीना यूज करके को चैनल इंटरफेरेंस खत्म कर देते हैं। ई सेल इज नॉट डिवाइडेड 3, 4, 6 सेक्टर में डिवाइड करते हैं एक से, ई सेल और वहां पे चारों तरफ मतलब 3 या 6 डायरेक्शनल एंटीना लगा देंगे। इन प्रैक्टिस सेक्टर सेल 120 बीम एंटीना आर दी, ये 120 एंगल में बीम एंटीना यूज करते हैं। सेक्टर एंटीना रिड्यूस कोच एंड इंटरफेरेंस एंड इंप्रूव द सिग्नल डाइजेशन टू पर गिव रीयूज फैक्टर फ्रॉम 80 dB टू 24 dB। ठीक है, ये इसने रीयूज फैक्टर बढ़ा दिया कि हम 20, 24 dB तक इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, चैनल हमारे पास कम रहता है उसी चैनल को हम डिवाइड कर देते हैं तीनों थ्री एंटीना में, तो लेकिन हमारा खत्म। इसमें बताओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन सबको याद हो गया कि नहीं भाई? हेलो, हेलो मीना जी, हाँ टूल्स टूल्स सर्वे वाला और दूसरा जो है सेक्टर एंटीना, सेक्टर एंटीना यूज करते हैं जो कोचर इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए जो है सेक्टर एंटीना यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया हेक्सागोनल शेप होता है और दूसरा दो सेल अवे तो बता दिए, और तीसरा वो इम्पोर्टेंट है वो रीयूज फैक्टर, ये लो फ्रिक्वेंसी रीयूज फैक्टर किसको देंगे? जिसका तो सेल सेंटर लोकेटेड टिपिकली हैंडसेट नियरर टू दी सेल, मतलब जो बीटीएस के पास में रहेगा, सेल सेंटर मतलब बीटीएस, तो आप ऐसे याद करिए कि जो बीटीएस के पास में रहेगा उसको लो फ्रिक्वेंसी रियूज फैक्टर देंगे और जो उससे दूर रहेगा उसको क्या देंगे? हाई फ्रिक्वेंसी रियूज फैक्टर देंगे। ठीक है, और कोई? क्योंकि तो पढ़ाने से ज्यादा आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मैं ये सोच के आया हूँ आज। और किसी को बस यही 4 पॉइंट इसमें वो जरूरत है, और दूसरा ये वाला 1.7 जो था ना, ये 1.732 टाइम्स द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एजेंस इज इक्वल टू 1.732 टाइम्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड वर्टेक्स ऑफ द सेल, ये इतना इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? नहीं बताइएगा फिर और उस तरह से पढ़ाएंगे भाई, मैं तो अपने हिसाब से एकदम स्लो स्लो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
चलो अभी अपन सेलुलर कर लिए ना कि सेलुलर क्या होता है और कैसे करते हैं। अपन ने पढ़ा भी एमटीआरसी सिस्टम क्या होता है, टेट्रा क्या होता है, अब उसके बाद हमने देखा सेलुलर सेलुलर सिस्टम क्या होता है, उसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीएसएमआर। जीएसएम में देखिए अगर आप ब्लॉक डायग्राम समझ लिए तो सारा क्वेश्चन इसमें खत्म हो जाता है। आपको अगर जीएसएम पढ़ना है तो ये ब्लॉक डायग्राम समझ लो, ये ब्लॉक डायग्राम क्या है और कैसे होता है। इसी पे दो तीन क्वेश्चन इसी में आपको घुमा घुमा के पूछ लेंगे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। अभी पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो पहला इंपॉर्टेंट तो यही होगा इसका फुल फॉर्म, फिर दूसरा हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी, अभी हम लोग उसको आगे देखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें हो जाएगा कि ये बीटीएस टू बीएससी क्या होता है, एबीस होता है कि ए इंटरफेस होता है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। और एयर इंटरफेस क्या होता है, एयर इंटरफेस तो सबको क्लियर, एयर इंटरफेस को भी यूएम इंटरफेस बोलते हैं। अपन टेट्रा में भी देखा था हमने ना कि जो मोबाइल स्टेशन रहता है, मोबाइल से मतलब हैंडसेट, आप जो हैंडसेट मोबाइल यूज कर रहे हैं उससे बीटीएस के बीच में कुछ कनेक्टिविटी तो है नहीं, वह एयर इंटरफेस है, वे बातें हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एयर इंटरफेस। अब दूसरा हो गया बीटीएस, टेट्रा में भी हमने आपको बताया एक बीटीएस होगा तो उसके लिए बीएससी होगा, इसमें पर एक बीएससी कई सारे 10 to 12 बीटीएस को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अब बीटीएस में भी तुम्हारा टीआरएक्स, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है, टीआरएक्स इसको बोलते हैं, ट्रांस एंड रिसीव, ये सब बीटीएस में होता है। बीटीएस मतलब आपका टावर, एक मोबाइल टावर, उसका एंटीना सिस्टम, और वहां पे बीएससी बीटीएस जो लगा। अब बीटीएस टू बीएससी के बीच में क्या होता है, इसको एबीस बोलते हैं, एबीस एबीस इंटरफेस, इसको बीएसएस लिखा है, बेस स्टेशन सब सिस्टम, दो बी को मिला के बीएसएस बोलते हैं। अब बीटीएस और बीएससी के बीच में क्या रहता है, एबीस इंटरफेस, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दो बी लग गए बीटीएस बीएससी तो ये क्या हो गया, एबीस, ठीक है, यही कंफ्यूजिंग वाला, बाकी तो ठीक है। अब एक बीएससी को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एमएससी, मास्टर स्विचिंग सेंटर, जो मास्टर नहीं, मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर, सॉरी, मोबाइल स्विचिंग सर्विस सेंटर हो गया, ठीक है। और ये बीएलआर हो गया, एचएलआर हो गया, बीएलआर मतलब विजिटर लोकेशन रजिस्टर होता है, इसको एनएसएस बोलते हैं, मतलब नेटवर्क सब सिस्टम, इसका ट्रांसमीटर रिसीवर से कुछ लेना देना नहीं, ये सिर्फ कंट्रोल करता है, एक एमएससी दूसरे से। ई आई आर क्या है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन, और ये क्या है, ऑथेंटिकेशन सेंटर, ठीक है। ए ओ एम सी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, ए पी एस टी एन हो गया, ठीक है। तो इतना इतने अभी आगे हम पढ़ाएंगे इसको मेन से, लेकिन इतना इसमें इंपॉर्टेंट हो गया। अब विजिटर लोकेशन रजिस्टर, तो बी एल आर उसका नाम ही है कि विजिटर लोकेशन रजिस्टर, तो जो कोई भी विजिटर अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में गए तो उस आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बीएलआर में चली जाती है कि विजिटर लोकेशन, ये बंदा जो है विजिटर है। ठीक है, अभी आगे से हम फिर दोबारा इसी पे आए तो अपना जो जीएसएफ पूरा फोकस रहेगा वो इसी पे रहेगा, इस डायग्राम में। ये डायग्राम अगर आपने पढ़ समझ लिया अच्छे से तो जीएसएम का क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना है, ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं मोबाइल स्टेशन क्या होता है, द मोबाइल स्टेशन रिप्रेजेंट द टर्मिनल इक्विपमेंट यूज्ड बाय द सेलुलर सब्सक्राइबर सपोर्टेड बाय जीएसएम सिस्टम, द एमएस कंसिस्ट ऑफ टू एंटिटीज, मोबाइल इक्विपमेंट एंड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम। मोबाइल स्टेशन मतलब आपके पास हैंडसेट जो आपके पास है, आप जो मोबाइल यूज करते हैं उसी को बोलते हैं मोबाइल स्टेशन। उसमें क्या क्या है, एक मोबाइल इक्विपमेंट है, उसके अंदर सिम है, सिम का फुल फॉर्म भी पूछता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मोबाइल इक्विपमेंट नॉर्मली कॉल्ड एज दी सेलफोन हैंडसेट हैज ए ट्रांस रिसीवर विच इज ए कैपेबल ऑफ ट्यूनिंग टू ऑल एलोकेटेड चैनल विद इन द ट्रैफिक एरिया। फंक्शन ऑफ सिम कार्ड,
जो सिम कार्ड रहता है उसमें क्या क्या रहता है, द फंक्शन ऑफ सिम कार्ड है, यूजर आइडेंटिफिकेशन, अपना जो सारी इंफॉर्मेशन है कि मेरा नाम क्या है, घर पता क्या है, सब उसमें रहता है सिम में। सिम रहता छोटा है, इसीलिए तो सिम अगर आप दूसरा लगाए तो आपकी बात नहीं होगी, आप कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सारा फीचर सिम में ही रहता है। ऑथेंटिकेशन ऑफ दी वैलिडिटी ऑफ दी मोबाइल से फिर एसेसिंग दी नेटवर्क। स्टोरेज ऑफ सब्सक्राइबर रिलेटेड इंफॉर्मेशन विच कैन बी डेटा ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फेस आर टेम्परेरी नेटवर्क डेटा। ठीक है, सब्सक्राइबर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब सिम में रहती है, सिम का इतना काम रहता है। तो मोबाइल स्टेशन परफॉर्म दी फॉलोइंग, मोबाइल स्टेशन मतलब सिम और उसको मिला के, रेडियो ट्रांसमिशन रिसेप्शन, रेडियो चैनल मैनेजमेंट, स्पीच कोडिंग डिकोडिंग, रेडियो लिंक एरर प्रोटेक्शन, फ्लो कंट्रोल ऑफ डेटा, रेड एडाप्शन ऑफ यूजर डेटा टू रेडियो लिंक, मोबिलिटी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ द रेडियो। इतना अपना मोबाइल सेट जो यूज करते हैं उसमें इतनी चीजें रहती है अपने को पता भी नहीं है। एक स्पीच कोडिंग जो आप बोल रहे हैं, कोडिंग का मतलब क्या है, हमारी तो वॉइस जा रही है ना फिर, लेकिन वो वायरलेस में कैसे कन्वर्ट होगी, तो उसको कोडिंग डिकोडिंग करके, कोडिंग करके भेजते हैं और जो रिसीव करते हैं उसको डिकोड करते हैं। अब बेस स्टेशन सब सिस्टम में आ गए, अभी हमने जो पढ़ रहे थे ये इधर का बता रहे थे एमएस, अब बताएंगे हमको क्या है बीएसएस, अब सेकेंड में आ गए। ठीक है, बेस स्टेशन सब सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इंटरफेस, बेस ट्रांसीवर स्टेशन बीटीएस एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर बीएससी। इसमें फुल फॉर्म आप नोट करते जाइएगा बीटीएस का क्या फुल फॉर्म है, क्योंकि भूल जाते हैं, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, जहां ट्रांसमिट रिसीव दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस रिसीवर। ये क्या हो गया, ट्रांसीवर स्टेशन बीटीएस और बेस स्टेशन कंट्रोलर। बीटीएस को कंट्रोल कर किससे हम करते हैं, बेस स्टेशन कंट्रोलर से। अब बीटीएस में क्या क्या होता है, उसका काम क्या है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन इज इक्विपमेंट विच फैसिलिटेट द वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर इक्विपमेंट एंड द नेटवर्क। यूई इंटरफेस आता है ना, उसको बोलते हैं यूजर इक्विपमेंट एंड द नेटवर्क। यूएम आया है ना, यूजर इक्विपमेंट से, इसीलिए इसको यूएम नाम दिया, यूजर इक्विपमेंट एंड द नेटवर्क। टिपिकली ये बीटीएस विल हैव बी सेवरल ट्रांसरिवर व्हिच अलाउ इज टू सर्व सेवरल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ दी सेल, जो हमने पढ़ाया भी सेवन सेल्स, वो सब वही बता रहे हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द बीटीएस रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो हमने पढ़ा वो सब चीजें इसी में होती है। बीटीएस इज ए जनरल है दी फॉलोइंग यूनिट्स। अब ये बता रहे हैं कि बीटीएस में क्या क्या होता है, बीटीएस में होता है टीआरएक्स ट्रांस रिसीवर, क्वाइट वाइडली रिफर्ड टू एज डीआरएक्स ड्राइवर रिसीवर, बेसिकली डस ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल एंड ऑल्सो डस सेंडिंग एंड रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल टू एंड फ्रॉम हायर नेटवर्क इंजीनियर लाइक बेस स्टेशन कंट्रोलर। बेस स्टेशन कंट्रोलर से जो भी भेजना है एक दूसरे को भेजता है। पावर एम्पलीफायर एम्पलीफाई द सिग्नल फ्रॉम द डीआरएक्स फॉर ट्रांसमिशन टू द एंटीना मे बी इंटीग्रेटेड विद द डीआरएक्स। कंबाइनर कंबाइंड फीड फ्रॉम द सेवरल डीआरएक्स सो दैट दे कुड बी सेंट आउट द सिंगल एंटीना फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एंटीना यूज्ड। एक कंबाइनर लगा रहता है जिसमें कि टीएक्स आरएक्स के लिए हम लोग सेम यूज करते हैं ना, तो कंबाइन करके सेम एंटीना से वो डेटा भेज देता है। डुप्लेक्सर रहता है फॉर सेपरेटिंग सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम एंटीना, सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल थ्रू द सेम एंटीना पोर्ट। एक डुप्लेक्सर लगाते हैं जिसमें कि हम सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना को कर सकते हैं, सॉरी वहां गलत बता रहे। कंबाइनर लगाते हैं, दो एंटीना अगर लगा हुआ है, सेम एंटीना लगा हुआ है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, डुप्लेक्सर, और दो अलग अलग लगा हुआ है तो वहां पे हम क्या करेंगे, कंबाइनर। एंटीना इज कंसिडर पार्ट ऑफ बीटीएस अलार्म एक्सटेंशन सिस्टम, ठीक है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सिस्टम। अब बीटीएस क्या क्या करता है, ठीक है, तो इसमें जीएसएम ए इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा कठिन है लेकिन दिमाग अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। अभी इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई रेडियो ट्रांसमिशन जीएसएम फॉर्मेट इंप्लॉइंग फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक स्पेसिफिकली डाइवर्जिंग एंटीना इंप्लीमेंट इक्वलाइजेशन एल्गोरिथम टू इफ्ता मल्टीपल पाथ, कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ रेडियो चैनल्स, इंक्रिप्शन ऑफ ट्रांसमिशन डेटा स्ट्रीम, कंट्रोल ऑफ द प्रोटोकॉल गवर्निंग मेथड ट्रांसफर इन द रेडियो डिले, ट्रांसफर ऑफ सिग्नलिंग मेथड, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बेस ट्रांसमिशन।
बेस चेंज कंट्रोलर रिजर्व दी रेडियो चैनल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कॉल हैंडओवर बिटवीन बेस ट्रांसीवर अंडर यूटिलिटी एंड फेस दी मोबाइल स्टेशन फॉर इनकमिंग। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि एक बीटीएस अगर लगा है, दूसरा बीटीएस उसके बगल में ही लगा हुआ है थोड़ी दूर पे, तो जो कॉल हैंडओवर होगा उसमें यूज करेगा किसी और सिस्टम का? तो नहीं, वो खुद बीटीएस उसको कर लेगा। देखो बोल रहा है ना, हैंड ओवर बिटवीन बेस ट्रांसीवर स्टेशन अंडर जुरिडिक्शन बेस दी मोबाइल स्टेशन। अगर एक बीटीएस पे आपका मोबाइल हैंडसेट है, दूसरा मोबाइल हैंडसेट है, तो उसमें बीएससी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कॉल हैंड ओवर कर लेगा, क्योंकि दोनों लोग सेम में है, उसको पता है भी इंफॉर्मेशन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि अगर सेम बीटीएस में दो मोबाइल रेडियो लगे हुए हैं तो क्या कॉल हैंड ओवर करेंगे, बीटीएस के थ्रू करेंगे या बीएससी के थ्रू? तो उसको हम बोलेंगे बीटीएस के थ्रू। ये बीटीएस इज ए कंट्रोल बाय पैरेंट स्टेशन कंट्रोलर बाय दी बेस स्टेशन कंट्रोल फंक्शन बीसीएफ। बेस स्टेशन कंट्रोलर कंट्रोल बाय पैरेंट बेस स्टेशन, जो बीटीएस कंट्रोल होता है उसका पैरेंट, मतलब उसका वहां जहां पे बीटीएस लगा है। द बीसीएफ इज इम्प्लीमेंटेड एज ए डिस्क्रीट यूनिट आर इवन इनकॉर्पोरेटेड टीआरएस इन कॉम्पैक्ट बेस स्टेशन। बीसीएस एक डिवाइस लगे बीसीएफ लगा रहता है, बेस स्टेशन कंट्रोलर बेस स्टेशन कंट्रोल फंक्शन। ठीक है, बीसीएफ के थ्रू कनेक्ट होता है। अभी हम इसके बाद आ गए, तुम्हारा कहाँ आ गए अभी? अभी एनएसएस से आ गए, तो अपना बीएससी हो गया, बीटीएस हो गया, ये बीटीएस हो गया, ये बीटीएस हो गया, ये बीएससी हो गया, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है, इसमें कोई डाउट? बोलिए। हाँ एक मिनट को, ये बीटीएस का फंक्शन हो गया ना, ये बीएससी नहीं, नहीं वो ये नहीं, नहीं वो गलत वो हो गया था। बेस स्टेशन कंट्रोल रिजर्व द रेडियो चैनल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कॉल हैंड ओवर बिटवीन बेस ट्रांसफर अंडर इंस्टीट्यूशन। नहीं बीटीएस नहीं, सॉरी वो गलत, ये बीएससी। एक बीएससी में क्या है, बहुत सारे बीटीएस रहते हैं, ये बीएससी का फंक्शन है। बीटीएस इज ए कंट्रोल बाय पैरेंट बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो बीटीएस है वो बीएससी से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो ये बीसीएफ के थ्रू अपना इडी स्विचिंग फंक्शन आप जी नहीं इसमें आ गए। हाँ वो कर सकते हैं, बीटीएस के कर सकते हैं। नहीं वो बीटीएस बीटीएस में ही रहता है वो सारा फीचर्स, बीटीएस में कुछ भी नहीं रहता, ये बीएससी में रहता है, बीएससी में। हाँ, बीएससी बेस स्टेशन अगर वन और टू रहेंगे तब, क्योंकि बीएससी में बहुत सारे बीटीएस रहते हैं ना, मतलब 10 to 12 बीटीएस का आप कंट्रोल कर सकते हैं, 10 to 12 बीटीएस को आप एक बीएससी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो बीएससी एक बीएससी हो गई, उसका पेरेंट्स बीएससी उसको बोलते हैं। ये देखो लिखा हुआ ना, ये बीटीएस इज ए कंट्रोल बाय पेरेंट बेस स्टेशन कंट्रोलर बाय द बेस स्टेशन कंट्रोल फंक्शन। ये बीसीएफ जो होता है बीएससी में होता है, बीसीएफ के थ्रू हम ये जितने भी बीटीएस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल हैंड ओवर वाला जो वो है वो मैं थोड़ा मिस, कॉल हैंड ओवर वाला जो प्रोसीजर है वो अपना एबीएससी ही करता है। बेस स्टेशन कंट्रोलर रिजर्व द रेडियो चैनल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कॉल हैंड ओवर बिटवीन द बेस ट्रांसमिट स्टेशन अंडर यूटिलाइजेशन एंड बेस मोबाइल स्टेशन फॉर एन इनकमिंग। ठीक है, मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल। अभी हमने पढ़ा दो चीज, एक तो अपना सिम का होता है, मोबाइल हैंडसेट क्या होता है, बीटीएस क्या होता है, बीएससी क्या होता है, बीएससी टू बीटीएस के बीच में कौन सा इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस होता है बीटीएस टू बीएससी? हाँ बस, वेरी गुड। और मोबाइल टू अपना इसके क्या बोलते हैं बीटीएस, यस इम्पोर्टेंट।
और सेल वाला जो पढ़ाए थे वो जीएसएम में भी क्वेश्चन आएगा, तो सेल वाला है कि हेक्सागोनल शेप होता है, ये होता है रीयूज फैक्टर, वो सब इसमें भी एप्लीकेबल है। अभी अब आ जाएंगे नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम एनएसएस, मतलब अब हम लोग सीधा पहुंच गए एमएससी के पास में। तो बीटीएस हो गया, बीएससी हो गया, अभी हम लोग एमएससी पढ़ेंगे। ठीक है, इट परफॉर्म द स्विचिंग फंक्शन ऑफ द जीएसएम एंड कंसिस्ट ऑफ डेटाबेस नीडेड फॉर द सब्सक्राइबर एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट। इट्स मेन फीचर टू मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द मोबाइल स्टेशन एंड अदर यूजर ऑफ द सेलुलर नेटवर्क। एक मोबाइल स्टेशन है, मान लो एक बीएससी से में कनेक्टेड है, दूसरी बीएससी है, तो दूसरी बीएससी पहली बीएससी को पता नहीं कि वो बीएससी कहाँ पे है, तो वो एमएससी के थ्रू करते हैं। जो काम बीटीएस के लिए बीएससी करता है, ओवरऑल वही काम बीएससी के लिए एमएससी करता है। अभी ऊपर देखेंगे, द स्विचिंग पार्ट इज कंट्रोल्ड बाय द मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर। स्विचिंग पार्ट जो है मतलब एक से दूसरी जगह स्विच करना है अगर आपको, तो वो एमएससी के थ्रू कर सकते हैं। इट मॉनिटर सब्सक्राइबर मोबिलिटी एंड मैनेज रिसोर्सेज फॉर हैंडलिंग एंड अपडेटिंग लोकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्सक्राइबर। सीमलेस हैंड ओवर ऑफ द स्टेबलाइज कॉल इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई एम एस सी। मान लो आप एक एक भी एक एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, तो इसी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कॉल हैंड ओवर वगैरह जो होगी, मतलब पेरेंट्स बीटीएस पे नहीं, दूसरे बीटी दूसरे उसमें जा रहे हो बीएससी में, तो एम एस सी का यूज कर सकते हैं। कनेक्शन टू एक्सटर्नल नेटवर्क लाइक पीएसटीएन पीएलएमएन एंड इंटेलिजेंट नेटवर्क इज ऑल्सो इज कंट्रोल्ड बाई दी एमएससी एंड एमएससी विच प्रोवाइड कनेक्शन टू नेटवर्क आउटसाइड द एरिया अंडर द एमएससी जनरली इज कॉल्ड द गेटवे एमएससी। मान लो एक एमएससी रहता है ना और दूसरा एमएससी रहता है, मान लो एक तुम्हारा किसका हो गया, एक वोडाफोन अपना वोडाफोन का हो गया, दूसरा जो है अपना बीएसएनएल का हो गया, तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो सारे एमएससी एक दूसरे के जो यूजर है, एक एमएससी दूसरे एमएससी से कनेक्ट रहती है, तो इसको बोलते हैं गेटवे एमएससी। अब इसमें आ गया तुम्हारा होम लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर अब इसकी बात कर रहे हैं, अभी ये फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं या चला रहे हैं, अब सबका काम बता रहे हैं। पहले इन्होंने बता दिया एमएससी क्या काम होता है, एमएससी मतलब दूसरे अगर कई सारे बीएससी हैं या किसी से आपको इंटीग्रेट करना है, जैसे ऑटो फोन से अपने मोबाइल पे बात हो जा सकती है, ऑटो फोन मतलब लैंडलाइन फोन से, तो लैंडलाइन फोन जो रहता है अपना एमएससी कनेक्टेड, एमएससी से कनेक्टेड रहता है और उसके थ्रू हम बात कर पाते हैं। अभी अभी आप देखेंगे कभी कभी रहता है ना इमरजेंसी नंबर, जैसे पहले आया होगा 138 139, वो जो बात करते थे तो बात नहीं होती थी, इसका मतलब है कि वो जो बीएसएनएल का ना, वो जो जहां से ऑटो नंबर से आप फोन से डायल कर रहे हैं, वो फोन उसके एमएससी से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे ना कभी कभी, फिर हम लोगों को प्रोग्रामिंग करवाना पड़ता है, तो अपने एमएससी में उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम ये पढ़िएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, घुमा के पूछेगा, या चलार नहीं पूछेगा, चलार क्या होता है पूछेगा। होम लोकेशन रजिस्टर इट आल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रियल टाइम लोकेशन ऑफ द रोमिंग सब्सक्राइबर व्हिच इज ए पास टू द एमएससी फॉर ए रूटिंग इट कैन बी कॉल टू द मोबाइल स्टेशन। होम लोकेशन रजिस्टर मतलब आपकी लोकेशन कहाँ पे है, रियल टाइम लोकेशन ऑफ दी रोमिंग सब्सक्राइबर। अब आप एक एमएससी से दूसरी एमएससी में गए लेकिन उसको पता है, जबकि होम एमएससी है कि होम लोकेशन रजिस्टर इसलिए बोलते हैं, मतलब होम मतलब आपका घर, लेकिन आपकी जो भी मूवमेंट है वो उसको पता चलती रहेगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अपडेशन ऑफ द सब्सक्राइबर डेटा बाई दी सर्विस प्रोवाइडर इज केप्ट इन एचएलआर। आईएमएसआई आईएसडीएन नंबर एंड वीएलआर एड्रेस आर आल्सो केप्ट इन एचएलआर, इतना चीज इसमें रहता है। ठीक है, एज सुन एज दी मोबाइल स्टेशन क्रॉसेस ए सेल बाउंड्री आल्सो नोन एज ए लोकेशन एरिया दिस इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड इन दी एचएलआर, दस एचएलआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस इन दी जीएसएम स्टेट। मतलब आपका एचएलआर अगर आप मान लो कि आप दिल्ली में हो एचएलआर, वहां से आप कहीं चेन्नई में चले गए, तो आप चेन्नई में गए हो, ये इंफॉर्मेशन चेन्नई के डिजिटल लोकेशन रजिस्टर से वो यहाँ के एचएलआर में अपडेट होती रहेगी, मतलब दिल्ली में अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ के एचएलआर में हमेशा अपडेट रहेगा कि भाई ये बंदा चेन्नई में गया है, तो चेन्नई में जितने भी फीचर्स आपको मिलेंगे वो दिल्ली वाले एचएलआर से सारा इंफॉर्मेशन लेके आपको मिलेगा, इसीलिए एचएलआर क्या बोलते हैं, होम लोकेशन रजिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस इन द जीएसएम स्ट्रक्चर।
अब बिस्टर लोकेशन रजिस्टर पे आ जाओ, इसका नाम ही है बिस्टर। डायनेमिकली स्टोर सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन व्हेन ए मोबाइल स्टेशन इज इन द लोकेशन एरिया कवर्ड बाय द बीएलआर। व्हेन एवर ए रोमिंग सब्सक्राइबर इंटर इन एन एरिया कंट्रोल्ड बाय एनएमएससी द इंफॉर्मेशन इज पास टू द बीएलआर व्हिच रिकॉग्नाइज द सब्सक्राइबर एंड एन आउटसाइडर ऑफ द एनएमएससी। इफ द सब्सक्राइबर इज अलाउड टू रोम बीएलआर फाइंड द ओरिजिनल एचआरआर फॉर द सब्सक्राइबर एंड डाउनलोड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द सब्सक्राइबर फ्रॉम हिम। एचआरआर वाले में तो पता ही है भाई ये हमारा होम लोकेशन वाला है, लेकिन कोई भी अगर एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर आया तो वो उसकी जो इंफॉर्मेशन आ जाएगी वो भी एलआर में जाएगी, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। और विजिटर लोकेशन रजिस्टर आपका इंफॉर्मेशन लेके सबसे पहले तो देखेगा आप कहाँ के हो, वहां के एचएलआर में जो भी आपका है नाम पता एड्रेस बीटीएस बीएससी सारा इंफॉर्मेशन वो कैच कर लेगा वीएलआर में, और फिर वो उस हिसाब से आपको सुविधा दे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप विजिटर लोकेशन में गए हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो बीएलआर मतलब विजिटर नाम ही है, उसको बना ही दिया है, सारा फंक्शन एचएलआर जैसा है लेकिन नाम उसका क्या है विजिटर लोकेशन, क्योंकि जो सब्सक्राइबर आ रहा है वो न्यू विजिटर है, इसको क्या बोलते हैं वीएलआर विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ठीक है, अब इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यहाँ की बात कर रहे हैं, ये अभी ये हो गया हमारा एचएलआर हो गया वीएलआर हो गया, अब ईआईआर पढ़ रहे हैं इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। Which store identification of all devices registered in the particular MSC? Equipment identity, which store identification of जितना IMEI नंबर आपका होता है, all devices, वो सब सारी इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर में रहता है, जिससे पता रहता है कि भाई हमारे MSC में ये इक्विपमेंट वैलिड है। एनी सेल फोन कैन बी यूज फ्रॉडुलेंटली बाई इंसर्टिंग एन ऑथेंटिकेट सिम कार्ड बट एज सुन एज रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड दैट हैंडसेट इज स्टोलन आर मिसप्लेस ईआईआर डेटाबेस कैन बी अपडेटेड टू रेंडर द हैंडसेट यूजलेस। ए लिस्ट ऑफ ऑल वैलिड IMEI इज केप्ट इन ईआईआर अलॉन्ग विद द माल फंक्शनिंग मोबाइल स्टेशन। इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर मतलब IMEI नंबर मतलब आप सीरियल नंबर के हिसाब समझ सकते हो, तो अगर कोई मोबाइल सेट चोरी हो जाता है तो हम उसको ब्लॉक कराते हैं, उसका IMEI नंबर अगर आप ब्लॉक कर देंगे वो इंफॉर्मेशन अगर यहाँ अपडेट हो गई तो उस नंबर का फोन वो फोन यूजलेस हो जाएगा, आप उस फोन को कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑथेंटिकेशन सेंटर EUC विच प्रोटेक्ट यूजर आइडेंटिटी एंड अलाउ ए सिक्योर ट्रांसमिशन ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम एनक्रिप्शन कीज आर कंटेन इन EOC एंड इट जनरेट्स रैंडम नंबर फॉर यूजर आइडेंटिकेशन इन दी एचएलआर फॉर यूजर आइडेंटिकेशन इन दी एचएलआर। ठीक है, इसमें ऑथेंटिकेशन जैसे अभी आधार नंबर में आया होगा ना आपको डायनेमिक नंबर होता है, पता है ना सबको डायनेमिक नंबर जो जनरेट होता है, आधार नंबर नहीं जाता है लेकिन वो नंबर डायनेमिक जाएगा और ये होगा कि हाँ भाई ये वैलिड नंबर है। तो ऑथेंटिकेशन सेंटर भी ये करता है कि कोई अगर बाहर दूसरा BSC MSC वाला पूछता है कि भाई ये HLR का इंफॉर्मेशन दे दो, तो HLR का जो नंबर रहता है वो रैंडम देता है कि भाई इस टाइम के लिए है, अलग टाइम आओगे इस नंबर का तो कोई आपको मिलेगा ही नहीं, तो वो चीज़ किससे पॉसिबल है ऑथेंटिकेशन सेंटर से AOC। ठीक है, क्लियर है ना, उससे याद रखेंगे तो याद रहेगा कि भाई आधार कार्ड का जो नंबर आता है वो ये उसी से आता है, तो आपको ये क्लियर रहेगा एचएलआर का। अब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर OMC विच मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ GSM इट्स मेन फंक्शन आर ट्रैफिक मॉनिटरिंग सब्सक्राइबर एज वेल एज सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड स्टेशन रिपोर्ट जनरेटर। सिर्फ ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर है, GSM का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ट्रैफिक का क्या है, कैपेसिटी है कि नहीं, वो सब चीजें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर करता है। अभी स्पेक्ट्रम पे आ जाएंगे, क्लियर हो गया ना, किसी को डाउट है कुछ? हेलो,
कंट्री वाइज थोड़ी रहता है यार, एमएससी सिटी वाइज होता है भाई। हाँ मतलब कैपेसिटी के ऊपर है, जैसे हमने बताया ना एक बीटीएस 10 से 12 कर सकता है, उसी तरह एमएससी का है कि वो 10 से 15, 10 12 15 इस तरह से लगभग मतलब है, उतना है बीएससी को कनेक्ट कर सकता है। हो सकता है जैसे मुंबई जैसी बिग सिटी है तो यहाँ पे 2 एमएससी हो, तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना उस एमएससी को यूज कर सकते हो, जितने बीएससी को कनेक्ट कर पाओगे। और पूछो, और सारे लोग पूछोगे तभी याद होगा भाई, नहीं इसे मैं पढ़ा दूंगा कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा है कि आप लोग एकदम क्लियर रहे, जितना पढ़ो एकदम क्लियर। बोलो और कोई कुछ। अभी ये इम्पोर्टेंट आ गया आपका पेट क्वेश्चन, जो कि पूछता है देयर आर थ्री मेन फ्रीक्वेंसी बैंड यू जीएसएम, जीएसएम 900, 1800 और 1900। ठीक है, तो अपना जो यूजफुल है वो जीएसएम 900 यूज होता है, जिसका कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी होता है 890 to 915 MHz एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होता है 935 to 960 MHz पर डाउनलिंक, बीटीएस टू मोबाइल स्टेशन, मोबाइल स्टेशन टू बीटीएस, तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी अपलिंक को डाउन बोल देते हैं, डाउन को अपलिंक, इसको इस तरह से याद करो 890 तो सबको याद रहता है, तो कम से ज्यादा है, यहाँ भी 935 है लेकिन 890 सबसे कम है, तो 890 90 से 915 तक जो होता है ये अपलिंक फ्रिक्वेंसी होता है। अपलिंक फ्रिक्वेंसी मतलब मोबाइल स्टेशन टू बीटीएस, आप अपलिंक कर रहे हैं मतलब अपलोड कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं अपलिंक फ्रिक्वेंसी। और दूसरी जो फ्रिक्वेंसी रहती है मतलब डाउनलोड कर रहे हो, तो डाउनलिंक मतलब डाउनलोड करना, डाउनलिंक मतलब डाउनलोड करना, मतलब किससे डाउनलोड करोगे, बीटीएस से, तो बीटीएस से जो भी डेटा है मोबाइल स्टेशन डाउनलोड करोगे उसको बोलते हैं डाउनलिंक। ये नोट कर लेना, तो पूछता है कि अपलिंक फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी क्या होती है। प्रादि फ्रिक्वेंसी बैंड द नंबर ऑफ अवेलेबल आरएफ चैनल विल बी 124, आरएफ चैनल कितने होते हैं 124, विद ए चैनल स्पेसिंग ऑफ 200 kHz एंड द डुप्लेक्स स्पेसिंग विल बी 45 MHz बिटवीन टीएक्स एंड आरएक्स। ठीक है, तो 890 से 935 के बीच में कितना मेगाहर्ट्ज हो रहा है, 45 MHz, इसको क्या बोलते हैं टीएक्स एंड आरएक्स, तो ये डिफरेंस रहता है, मतलब 890 अगर टीएक्स है तो 935 तुम्हारा आरएक्स होगा, उसी तरह उसमें 915 में 915 और 45 तो कितना हो जाएगा 960, तो एक टीएक्स आरएक्स हो गया। तो डुप्लेक्स स्पेसिंग कितना होता है ये भी बार बार पूछता है, लिख लेना कि जीएसएम में डुप्लेक्स स्पेसिंग कितनी होती है 45 MHz बिटवीन टीएक्स आरएक्स, मतलब 890 से 935 में जो माइनस करने पे आता है वो क्या बोलते हैं 45 MHz, और इसमें 124 चैनल होते हैं और चैनल स्पेसिंग कितनी होती है 200 kHz की, 200 kHz की चैनल स्पेसिंग स्पेसिंग होती है और 124 चैनल होता है इसमें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज टू कंबाइन सिग्नल फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इनटू ए कॉमन ट्रांसफर मीडियम इन सच वे दैट ए डेस्टिनेशन द डिफरेंट चैनल कैन बी सेपरेटेड विदाउट म्यूचुअल इंटरफेरेंस, इन अदर वर्ड मल्टीपल ऐसे सिस्टम परमिट मेनी यूजर टू शेयर ए कॉमन मीडियम इन द मोस्ट इफिशियंट मैनर। क्या होता है इसमें, देयर आर थ्री बेसिक टाइप ऑफ मल्टीपल एक्सेस फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एफडीएम में, और दूसरा क्या होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टीडीएम में, तीसरा क्या होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। पहला तो इसका फुल फॉर्म ही लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म जरूर कभी कभी पूछता है सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या आता है, तो इसका क्या हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टीडीएम में, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ना एफडीएम में। फ्रिक्वेंसी डिवीजन में क्या रहेगा, टाइम फिक्स रहेगा और फ्रिक्वेंसी F1 F2 F3 F4 इस तरह से
डिवाइडेड रहेगी। फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एक ही टाइम स्लॉट में कई सारी फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं। तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टीडीएम में हुआ, टिट्रा में आपको बताया था ना टीडीएम में यूज होता है। एक ही फोन ले लेते हैं, उसमें चार टाइम स्लॉट ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं टाइम स्लॉट। टीडीएम में फ्रिक्वेंसी एक है लेकिन टाइम चार है। एफडीएमए में एक टाइम है, कई सारी फ्रिक्वेंसी है, वही बता रहे। इन एफडीएम में यूजर शेयर द रेडियो स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी डोमेन, यूजर इज एलोकेटेड ए पार्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी बैंड व्हिच इज यूज्ड थ्रू आउट कन्वर्सेशन, यूजर आर सेपरेटेड इन फ्रिक्वेंसी। इन टीडीएम में द यूजर शेयर द रेडियो स्पेक्ट्रम इन टाइम डोमेन एंड इंडिविजुअल, मतलब शेयर मतलब एक ही फ्रिक्वेंसी को कई सारे लोगों को दे रहे हैं कि भाई 5 मिनट तक तुम यूज करो, 10 मिनट तक तुम यूज करो, ऐसा उसको क्या बोलते हैं। एंड इंडिविजुअल यूजर एलोकेटेड टाइम स्लॉट ड्यूरिंग व्हिच एक्सेस ए पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूजर आर सेपरेटेड इन टाइम, टाइम में सेपरेट रहता है। इन थीडीएम में ईच यूजर असाइन ए यूनिक स्यूडो रैंडम पोर्ट एंड एक्सेस द फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन यूनिकली, फ्रीक्वेंसी और टाइम भी रहता है और उसको कोड दे देते हैं, भाई इस फ्रीक्वेंसी इस टाइम पे तुम ये कोड, इस फ्रीक्वेंसी इस टाइम पे ये कोड, तो उसको बोलते हैं सीडीएम। इन जीएसएम टू अचीव ए हाई स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इन द नेटवर्क द कॉम्बिनेशन ऑफ एफडीएमए या टीडीएमए चूज, जीएसएम में एफडीएमए भी यूज करते हैं टीडीएमए दोनों मिला के। इन एफडीएमए द बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी चैनल विद चैनल स्पेसिंग ऑफ 200 किलो हर्ट्ज, एंड टीडीएमए ईच चैनल इज असाइन इनटू 8 टाइम स्लॉट, जो आपको वहां बताया था कि वो चार टाइम स्लॉट होता है, इसमें कितना होता है 8 टाइम स्लॉट। तो जीएसएम में एफडीएम में भी होता है और टीडीएम में भी होता है। ये देखो कंसेप्ट ऑफ दी एफडीएम में है टीडीएम में, ठीक है। देखो ये पावर हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और यहाँ पे यूजर वन यूजर टू यूजर थ्री अलग अलग दे दिए। यहाँ पे देखो ये ब्लॉक वन ऑफ दी सेफ कैरियर, एक फ्रीक्वेंसी में एक दो तीन, ये हो गया आपका टीडीएम में, ये आपका हो गया एफटीएम में। फॉर द कनेक्शन ऑफ द डिफरेंट नोड इन जीएसएम नेटवर्क डिफरेंट इंटरफेस आर डिफाइंड, जो आपको पहले ही हमने बता दिया, यूएम एबीस ए इंटरफेस, यूएम इंटरफेस इज आल्सो का एयर इंटरफेस, द एयर इंटरफेस इज इंटरफेस बिटवीन द बीटीएस एंड द एमएस मोबाइल स्टेशन, द एयर इंटरफेस रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग यूनिवर्सल यूज ऑफ द एनी कंप्यूटर मोबाइल स्टेशन इन द जीएसएम नेटवर्क। एबीस इंटरफेस हो गया, एबीस मतलब दो बी आ गए, तो ये बीटीएस प्लस बीएससी को क्या बोलेंगे हम लोग एबीस। द एबीस इंटरफेस इज द इंटरफेस बिटवीन द बीएससी एंड द बीटीएस, द इंटरफेस कंप्राइजेस ट्रैफिक एंड कंट्रोल चैनल, फंक्शन इंप्लीमेंटेड एट द एबीस इंटरफेस आर वॉइस डेटा ट्रैफिक एक्सचेंज, सिग्नलिंग एक्सचेंज बिटवीन बीएससी एंड द बीटीएस, एंड ट्रांसपोर्टेटिंग सिंक्रोनाइजेशन फ्रॉम बीएससी टू बीटीएस। ए इंटरफेस अपना लास्ट वाला था, ये यहाँ पे देखिए ए इंटरफेस, ये हो गया, ये अपना यूएम कर लिए थे, एबीस कर लिए थे, दिस इज कॉल्ड ए इंटरफेस। द ए इंटरफेस इज इंटरफेस बिटवीन द बीएससी एंड द एमएससी, द फिजिकल लेयर इज ए 2 Mbps डिजिटल कनेक्शन, सिग्नलिंग यूजर एमटीपी, मैसेज ट्रांसफर पार्ट एंड एसएसटीपी, सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल पार्ट सिग्नलिंग सिस्टम 7। इसमें सिग्नलिंग सिस्टम ऐसा 7 यूज होता है। फिजिकल लेयर इज ए 2 Mbps डिजिटल कनेक्शन, बीएसएस मैनेजमेंट एप्लीकेशन पार्ट लुक आफ्टर रेडियो रिसोर्स हैंडलिंग इन बीएसएन एंड बीएसएन ऑपरेशन आर द मेंटेनेंस एप्लीकेशन पार्ट सपोर्ट ऑल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क फॉर द बेस स्टेशन सब सिस्टम। ए सेलुलर रेडियो सिस्टम यूज टू टाइप्स ऑफ चैनल, डुप्लेक्स ट्रैफिक चैनल टू कैरी टू वे वॉइस कम्युनिकेशन, डुप्लेक्स कंट्रोल चैनल टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन कॉल सेटअप एंड कॉल ब्रेकडाउन, ये होगा डुप्लेक्स कंट्रोल चैनल और डुप्लेक्स ट्रैफिक चैनल। ये तो इतना आप लोग कर नहीं पाओगे, इतना कठिन तो पूछेगा ही नहीं। कोडिंग बता रहे हैं, जीएसएम मोबाइल फोन सिस्टम यूज डिजिटल टेक्निक इन वेरियस फॉर्म टू ट्रांसमिट द वॉइस सिग्नल ऑफ द फोन कॉल,
This required the voice signal have to be converted into a digital form. The conversion into digital format is accomplished by using the analog to digital converter. ADC लगा रहता है अपने फोन में. अपने फोन में ADC लगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. ADC सैंपल द वेव फॉर्म एट ए फिक्स टाइम इंटरवल एंड जनरेट ए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव फॉर्म. द एक्चुअल वॉइस क्वालिटी डिपेंड अपॉन टू बेसिक फैक्टर, द सैम्पलिंग रेट एंड द नंबर ऑफ बिट्स इन द ईच सैंपल. इफ यू यूज नॉर्मल पीसीएम कॉन्सेप्ट, द आउटपुट डेटा रेट विल बी 64 kbps का डेटा यूज करेगा. The amount of this data rate is to send on cellular channel is too high to accommodate. ये बहुत important है, लिख लेना. The overcome of this problem, vocoder will be used. These are able to analyze and compact the data representing the speech so as it require lower data rate. Vocoder use होता है. ये लिख note कर लेना. ये question important है. Vocoder पूछेगा कि क्या करना. तो GSM में जो अपना मोबाइल सेट रहता है उसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर रहता है, लेकिन जब वो डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा था तो उसकी डेटा कितना था, 64 kbps. जबकि GSM में इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है, तो उस डेटा रेट को कम्पैक्ट करने के लिए, जो ए टू डी कन्वर्टर कम्पैक्ट करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, वोकोडर. वोकोडर लगाते हैं जो डेटा रेट को कम करता है और हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है. टू अचीव दिस लेवल ऑफ परफॉर्मिंग दे यूज कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एनालाइज द स्पीच. Vocoder is a digital hardware block which will do the speech analysis and the synthesis. Vocoder क्या है? एक हार्डवेयर है जो उसमें अंदर रहता है, आपके मोबाइल हैंडसेट में रहता है, जो कि जो अपना स्पीच रहता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट, ए टू डी कन्वर्ट जो सिग्नल आता है उसका कंपैक्ट करता है सिग्नल. इट यूज ए टेक्निक कॉल्ड लीनियर प्रिडिक्शन कोडिंग विद रेगुलर पल्स एक्सरसाइज, LPC RPC. द 64 kbps इज ट्रांसकोडेड फ्रॉम स्टैंडर्ड एला quantize 8 bit sample stream into linearly quantize 30 bits per sample stream giving rise to a 140. ये जरूरत नहीं है, इसमें मैंने आप ये ठीक है, चैनल कोडिंग हो गया. जो पूछा जाएगा वही बता रहे हैं, ये सब चीजें तो आप कर नहीं पाओगे. देर आर फोर बेसिक टाइप ऑफ नंबरिंग फॉर मोबाइल सब्सक्राइबर. मोबाइल सब्सक्राइबर ISDN नंबर लिख लेना, इसका फुल फॉर्म पूछता है. इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी IMSI हो गया, TMSI टेम्परेरी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी हो गया, मोबाइल सब्सक्राइबर नो रोमिंग नंबर हो गया MSRN होता है, और इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर इक्विपमेंट होता है IMEI नंबर होता है. मोबाइल सब्सक्राइबर का ISDN नंबर क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर इक्विपमेंट आइडेंटिटी क्या है, इतनी चीजें होती हैं. ISDN नंबर जो अपना रहता है 91 जो लिख के आ रहता है, इट इज द डायरेक्टरी नंबर एलोकेटेड टू द सब्सक्राइबर. ये देखो ना, कंट्री कोड NDC एंड सीरियल नंबर, सब्सक्राइबर नंबर, और ये होगा नेटवर्क डेस्टिनेशन कोड, विच कंस्टिट्यूट ऑफ द नेटवर्क डेस्टिनेशन कोड. इट इज द डायरेक्टरी नंबर एलोकेटेड टू सब्सक्राइबर, द नंबर कंसिस्ट ऑफ कंट्री कोड ऑफ द कंट्री इन विच द मोबाइल स्टेशन रजिस्टर. MSISDN करते हैं तो CC नंबर हो जाएगा, NDC हो जाएगा और SN हो जाएगा, तीन डिजिट को MSISDN बोलते हैं. ठीक है, तो अपना जो मोबाइल नंबर रहता है उसी से आप सोच सकते हैं, उसी की बात कर रहे हैं कि मोबाइल नंबर क्या होता है. MSISDN तो CC नंबर होता है, NDC होता है और SN होता है, सब्सक्राइबर नंबर होता है. ठीक है, लास्ट वाला सब्सक्राइबर नंबर रहता है और ये होता है नेटवर्क डेस्टिनेशन कोड होता है, तीन पार्ट में रहते हैं. अब आ गया MSI कोड है, जो थ्री कंपोनेंट. मोबाइल कंट्री कोड, इट इज ए थ्री डिजिट कोड दैट यूनिकली डिफाइन द कंट्री ऑफ द डोमिसाइल ऑफ द सब्सक्राइबर. मोबाइल नेटवर्क कोड, इट इज द टू डिजिट कोड दैट आइडेंटिफाई द होम GSM BLMNR ऑफ द मोबाइल सब्सक्राइबर. और MSIN हो गया मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज कोड दैट आइडेंटिफाई द MS विद द GSM का है, GSM का है कि किसका नंबर है, इसमें सब MM में ही है IMSI. टेम्परेरी मोबाइल, इट इज टेम्परेरी नंबर प्रोवाइडेड बाई द PLR.
This ensures confidentiality of the MS over air interface for hiding identity. It is issued temporarily with the location area of the VLR. ठीक है, टेम्पररी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर देता है, क्योंकि हमने बताया था कि वीएलआर में क्या करते हैं कि कोई भी अगर विजिटर आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वीएलआर में आ जाती है, और वीएलआर में इन्फॉर्मेशन आने के बाद में वो होम लोकेशन रजिस्टर से डेटा लेता है और फिर एक टेम्पररी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी देता है कि भाई ये जो मोबाइल आइडेंटिटी आया है इसका टेम्पररी मोबाइल सब्सक्राइबर ये है, जैसे ही विजिटर लोकेशन से वो चला जाएगा तो नंबर हट जाएगा। मोबाइल सब्सक्राइबर रोमिंग नंबर, इट इज द सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ द कॉल प्रोसेसिंग व्हेन द कस्टमर गोज आउट ऑफ होम नेटवर्क एंड रोम इन एनी अदर वीएलआर एरिया हैविंग कनेक्टिविटी विद हिज होम नेटवर्क। इन सच केस द सेलर ऑफ द रोमिंग सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट द वीएलआर फॉर अलॉटमेंट ऑफ द टेम्पररी नंबर। अकॉर्डिंग द विजिटेड वीएलआर जनरेट एमएसआर एंड जीएमएससी यूजेस इट फॉर रूटिंग ऑफ कॉल टू द कस्टमर। एमएसआर ने स्टोर इन विजिटर विजिटेड वीएलआर चला। ठीक है, तो मोबाइल सब्सक्राइबर रोमिंग नंबर जो एक तो तुम्हारा आप में अपना मोबाइल नंबर आपका हो गया कि जो होम लोकेशन में थे, लेकिन जब आप जाते हो तो रोमिंग नंबर एक अलाट होता है, आपके नंबर के अलावा एक दूसरा भी नंबर अलाट होता है जो कि इससे लिंक रहता है, और फिर उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप विजिटर में आए हो। तो मोबाइल सब्सक्राइबर रोमिंग नंबर अलाट होता है जिसके बेस पे वो कॉल करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इट प्रोवाइडेड टू द कस्टमर थ्रू ए यूनिक कोड। ईच मोबाइल इक्विपमेंट हैज IMEI फॉर इट आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन। द कोड इज इंटर्ड इन सिम कार्ड ऑफ द यूजर एमएस एंड आल्सो रिकॉर्डेड इन द डेटाबेस ऑफ द EIR ऑफ द मोबाइल स्विचिंग सब सिस्टम। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉल प्रोसेसिंग द IMEI इंटर इन CPJ कंपेयर्ड विद द करेस्पॉन्डिंग IMEI रिकॉर्डेड इन द EIR। सिम कार्ड में जो नंबर आप लगाओगे तो उसमें इंटर हो जाएगा और वो इंफॉर्मेशन वहां पे चली जाएगी भाई इक्विपमेंट है, और फिर उसके बाद में वो बात करेगा। ये 15 डिजिट का होता है, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, तो IMEI नंबर हमारा कितना होता है 15 डिजिट का होता है, ये इंपॉर्टेंट है नोट कर लेना कि IMEI नंबर कितने डिजिट का, तो 15 डिजिट का होता है। तो TAC हो गया, टाइप अप्रूव कोड हो गया, FAC हो गया, फैक्ट्री असेंबली कोड हो गया, SNR क्या हो गया, सीरियल नंबर हो गया, ये SP के लास्ट का क्या रहता है स्पेयर में रखा हुआ है। ठीक है, तो इतना चीज देते हैं कि टाइप अप्रूव कोड, फैक्ट्री असेंबली कोड और सीरियल नंबर, इससे पता चलता है कि ये हैंडसेट जो अपना आया है ये कहाँ से आया हुआ। ये तो जरूरत नहीं, इतना अंदर तो पूछेगा नहीं, ये हैंडओवर पूछ रहे हैं। बट ओनली वन बेस स्टेशन कंट्रोलर एक्सटर्नल हैंडओवर दीज आर हैंडल बाय दी MSC जो आपको बताया था, अभी आप देख लो इसमें। अब देखो इस BSC में ये वाला जो मोबाइल हैंडसेट है ये इस BSC से कंट्रोल हो रहे हैं ना BTS 1 to 2, तो ये क्या है ये BSC इसको कर देगा यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, ये इस बार क्वेश्चन पूछा भी गया था LDC में, चैनल टाइम स्लॉट इन द सेम सेल बिटवीन एंड टू इंटर BTS एंड इंट्रा BSC। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस BSC में आ रहे हो, इस BSC में हो, यहाँ से यहाँ आना है तो इसमें क्या बोले इंटर BSC इंट्रा MSC बिटवीन एन एंड फोर इंटर MSC, तो इसमें MSC में आ गए, इसी एक ही MSC में आ रहे हो तो इसमें MSC भी चाहिए और BTS भी चाहिए, तो देखो 1 और 4 में आ रहे हैं तो इंटर क्या हो गया इंटर MSC, दो MSC के बीच में इंटरनल हैंड ओवर इन्वॉल्व ओनली वन बेस स्टेशन कंट्रोलर एक्सटर्नल और दीज आर हैंडल बाय दी MSC। सेल का हैंड ओवर है इंटर MSC में हैंड ओवर, AMSC में दूसरे में जाओगे तो कैसे हैंड ओवर होगा खत्म। अभी बताओ किसी को कुछ डाउट, थोड़ा टफ तो है लेकिन अब क्या करें अपने हिसाब से। तो बोलिए आप लोग भाई कुछ डाउट।
बताइए। बोले आप लोग कुछ डाउट? हेलो, अरविंद जी कोई है? हेलो, हेलो हेलो। हाँ, आवाज रही है। जीएसएम अरे अगर आप कुछ डाउट है भाई आप लोगों को, जीएसएम खत्म तो जीएसएमआर बताएं। हाँ नहीं नहीं सर, बराबर है, ठीक बराबर है है आपका। सर, कंटिन्यू अच्छा करिए। हाँ ठीक, क्योंकि तो मेरा ये है कि पढ़ाने से ज्यादा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरा ये टारगेट है कि आप लोग एकदम क्लियर हो जाओ, क्योंकि बेस क्लियर रहेगा तो भूलोगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो हमने किया तो हमने सबसे पहले टेट्रा पढ़ा। टेट्रा के बाद में जीएसएम सेलुलर सिस्टम पढ़ा। सेलुलर सिस्टम का यूज जीएसएम में होता है। अभी हमने पढ़ा जीएसएम। जीएसएम में हमने देखा बीएससी होता है, एमएससी होता है, और बीटीएस होते हैं, मोबाइल सेट होते हैं, आईएमआई नंबर होता है 15 डिजिट का, अपलिंक होता है, डाउनलिंक होता है, और उसमें फ्रिक्वेंसी रियूज फैक्टर वगैरह पढ़ा था। तो अभी जीएसएम में ऐसा क्या था कि हम जीएसएम आर हमको लाना पड़ा, क्योंकि जीएसएम में ब्रॉडकास्ट कॉल, ग्रुप कॉल, ये सारे फीचर्स नहीं है जो कि हमको रेलवे में चाहिए रहते हैं। तो उसके लिए जीएसएम मतलब वर्ल्ड वाइड रेलवे के लिए, ऐसा नहीं कि इंडियन रेलवे के लिए, तो उन्होंने फिर रेलवे के लिए उसी जीएसएम सिस्टम को मॉडिफाइड किया गया, जिसका नाम दिया गया जीएसएम आर। सब कुछ सेम रहेगा, बीटीएस वही वही, बीएससी वही, एमएससी, उसमें कुछ कंपोनेंट इक्विपमेंट ऐड कर देंगे। और एक जीएसएम में हमने वोकोडर पढ़ा था, वो आप लोग याद रखिएगा, 100% आई थिंक पूछा ही जाएगा कि वोकोडर का क्या काम रहता है। एक हार्डवेयर डिवाइस रहती है जो कि जो डेटा अपना 64 ए टू डी कन्वर्टर रहता है, जो 64 KBPS डेटा को कंप्रेस करके जो कैपेसिटी जीएसएम की रहती है उसमें वो डेटा ट्रांसमिट करता है। अभी हम लोग आ जाएंगे जीएसएम आर। जीएसएम आर क्या है? जीएसएम फॉर रेलवे, ए कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर रेलवे नेटवर्क यूटिलाइजिंग जीएसएम टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफाई एप्लीकेशन फॉर रेलवे ऑपरेशन। जीएसएम आर इज द कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड चूजन बाई ई आई आर ई एन, यूरोपियन इंटीग्रेटेड रेलवे रेडियो इनहांस नेटवर्क। ये नोट कर लेना कि जीएसएम आर को किसने डेवलप किया था, ई आई आर ई एन, यूरोपियन इंटीग्रेटेड रेलवे रेडियो। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है ई आई आर ई एन का, और ये पूछता है जीएसएमआर किसने बनाया था। तो ई आई आर ई एन है, इसका नाम है यूरोपियन इंटीग्रेटेड रेलवे रेडियो इनहांस नेटवर्क। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन बॉडी ऑफ आर दी जीएसएमआर। ये देखो इतने लोगों ने मिल के इसको बनाया हुआ था जीएसएमआर को, किसने क्या काम किया हुआ था, लेकिन अपने काम का सिर्फ ई आई आर ई एन है। रेलवे कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बॉडी डिफाइंस फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द जीएसएम आर। ठीक है, तो ई आई आर ई एन इंपॉर्टेंट है, बाकी जाने को जरूरत नहीं। अब जीएसएम आर में पॉइंट टू पॉइंट कॉल, वॉइस टू ब्रॉडकास्ट कॉल उसमें नहीं थी, उसी को इसमें किया गया।
वॉइस ग्रुप कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। इसमें फंक्शनल एड्रेसिंग होता है, लोकेशन डिपेंडेंट एड्रेसिंग होता है, इनहांस मल्टी लेवल प्री प्रिसिडेंस एंड प्रिम्पशन भी होता है। इतनी चीजें इसमें होती हैं जीएसएमआर में। पॉइंट टू पॉइंट कॉल ऑपरेशन, वॉइस कम्युनिकेशन, वो जो मैंने बताया था वहाँ टेट्रा में वही है। बिटवीन ट्रेन कंट्रोलर एंड ड्राइवर, ड्राइवर टू गार्ड ऑफ द सेम ट्रेन, ड्राइवर गार्ड ऑफ द ट्रेन टू ड्राइवर गार्ड ऑफ द अनदर ट्रेन, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, ट्रैक साइड कम्युनिकेशन, ट्रेन सपोर्ट कम्युनिकेशन और शंटिंग कम्युनिकेशन। इतना जो होती है पॉइंट पॉइंट कॉल ऑफ। अब वॉइस ब्रॉडकास्ट कॉल जो मैंने बोला था, वॉइस ब्रॉडकास्ट सर्विस अलाउ ग्रुप ऑफ यूजर टू रिसीव कॉमन इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाँ इन जीएसएमआर ग्रुप कैन बी डिफाइंड विद इन ए सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया टू विच कॉल्स कैन बी प्लेस्ड। द पर्सन हु स्टार्टेड द कॉल कैन टॉक अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन ओनली टू लिसन, ठीक है। इसको सेल एरिया से डिफाइन कर सकते हैं। भाई इस सेल में एक ग्रुप कॉल होता है कि अपना हमने डिफाइन कर दिया भाई ये यूजर, एसएनटी डिपार्टमेंट का ग्रुप बना दिया, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जिसे डीएचएफ से ऑपरेटिंग का बना दिया, तो उसको रिंग करोगे वो कहीं भी उस रहेगा, आपसे बात हो जाएगी। और जीएसएमआर में क्या रहता है कि लोकेशन बेस्ड ग्रुप कॉल हम कर सकते हैं बीटीएस वाइज। भाई इस बीटीएस में जितने भी हो सब कुछ सुन लो, चाहे एसएनटी को, चाहे ऑपरेटिंग को, चाहे ड्राइवर गार्ड, कोई भी हो आपको कर सकते हैं, ठीक है। टिपिकल बॉयज ब्रॉडकास्ट टू ए डेडिकेटेड सर्विस एरिया, ये आप ग्रुप कॉल कर सकते हो। बॉयज ग्रुप कॉल सर्विस बीजीसीएस, बॉयज ग्रुप कॉल सर्विस अलाउ ग्रुप्स ऑफ यूजर टू मेक कॉल विद इन अमंग द ग्रुप्स। वही जो मैंने बताया कि ये सेंटिंग ग्रुप हमने बना दिया, तो सेंटर जितने हैं इतने लोगों से हम बात कर सकते हैं, जो भी ग्रुप। मेट्रो सिस्टम में इसका बहुत यूज होता है। अभी जो मेट्रो लगे हुए हैं, हालांकि वहां पे टेट्रा लगा हुआ है, लेकिन ये चीज का बहुत यूज करते हैं कि भाई शंटिंग वाला कर रहा है तो उसमें उस ग्रुप में कंट्रोलर भी रहेगा और शंटिंग वाला भी रहेगा। भाई ये गाड़ी को इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको शंटिंग ग्रुप बोलते हैं। टीपीसी वाला का अलग ग्रुप रहेगा, कंट्रोलर उसमें भी रहेगा, टीपीसी वाला रहेगा, भाई इसका वो चीज का मेंटेनेंस ले रहे हैं। इस ग्रुप का सर्विस में इसमें यूज होता है, इसको बोलते हैं वॉइस ग्रुप का सर्विस और इसको बोलते हैं वॉइस ब्रॉडकास्ट सर्विस और इसको ग्रुप सर्विस बोलते हैं। इसको टिपिकल वॉइस ब्रॉडकास्ट टू ए डेडिकेटेड सर्विस एरिया। ग्रुप मेंबर विल नॉर्मली लिस्टन टू दी ऑनगोइंग वॉइस ग्रुप कॉल एज सून एज द इनिशिएशन ऑफ द बीजीसीएस स्टॉप स्पीकिंग इंडिकेट दैट द रिलीज द अपलिंक। आर ग्रुप मेंबर विल बी नोटिफाइड दैट दे कैन नाउ रिक्वेस्ट एन अपलिंक टू बिकम द नेक्स्ट ट्रैकर बाय यूजिंग देयर पुश टू ट्रैक फंक्शन। ए डेडिकेटेड डुप्लेक्स चैनल विल बी लोकेटेड इन द रिस्पेक्टिव सेल, ठीक है। आप पीटीटी जैसे ही प्रेस करेंगे आपको एक चैनल मिल जाएगा, तो आप उससे बात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे है सबसे, देखो ये यहाँ से न्यूट्रल, ये इससे बात कर रहा है, यहाँ से ये बीटीएस का ये चैनल यूज किया हुआ है, बाकी सब सुन रहे हैं, ये इससे तो बात कर रहा है। अब ये कोई दूसरा इसमें डिफाइन कर देता है तो इसको दूसरा चैनल भी अलर्ट हो जाता है। इमरजेंसी एरिया ब्रॉडकास्ट, इमरजेंसी वही ब्रॉडकास्ट कॉल को अभी इमरजेंसी कर सकते हो कि कोई भी कॉल जितनी रहेगी वो सब टर्मिनेट हो जाएंगे और पूरे एरिया में आपको सुनाई देगा कि भाई इमरजेंसी, कंट्रोलर का जो ग्रुप है और उस एरिया में जितने भी हैं उनको हम कर सकते हैं। ये देखो इन्होंने किया इमरजेंसी एरिया ब्रॉडकास्ट, किस एरिया में आपको इमरजेंसी कॉल करनी है आप उसको प्रेस करेंगे। मान लो किसी का नॉर्थ है और साउथ है, मान लो आपको ब्रॉडकास्ट कॉल करना है पर नॉर्थ वाले को करना है, तो आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो नॉर्थ साइड के जितने बीटीएस में है उतने जितने भी यूजर रहेंगे वहां पे आप ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे, साउथ प्रेस करेंगे तो साउथ में कर पाएंगे। द फीचर सपोर्ट फास्ट कॉल सेटअप है, एरिया डेफिनेशन, सिंगल इमरजेंसी की स्टोक, रेड बटन रहती है जो टेट्रा सिस्टम में है, सेम फीचर्स इसमें भी है। उस बटन को आप प्रेस करेंगे तो जो भी कॉल है टर्मिनेट हो जाएगी और आप उससे बात कर पाएंगे। फंक्शनल एड्रेसिंग अलाउ यूजर आर एन एप्लीकेशन टू बी रीच्ड बाय मींस ऑफ ए नंबर व्हिच आइडेंटिफाइज इट। इसमें देखो कुछ भी नहीं है, अपना जो जीएसएम रहता है तो एक मोबाइल हैंडसेट आप जो लेके जा रहे हैं उसका एक नंबर फिक्स रहता है ना अपना नंबर, कि भाई मेरा ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पर रिंग कर सकते हो। तो
वो जीएसएम में तो वो फीचर था। और दूसरा है कि उस अगर हम उसको एक और लिंक करना चाहें ट्रेन नंबर से कि भाई इस ट्रेन नंबर में ये मोबाइल नंबर है, ट्रेन नंबर तो रोज चेंज होती रहेगी, वो हमको तो ट्रेन नंबर से मतलब है, मोबाइल नंबर से तो लेना देना नहीं है। तो उसके लिए इसमें किया गया एक फंक्शनल एचआरआर एक्स्ट्रा बनाया गया, जो एचआरआर जीएसएम में था उसके लिए फंक्शनल एचआरआर बनाया गया, जिसके थ्रू कि हम वो लिंक कर पाएंगे। जैसे ही आप ट्रेन नंबर डालोगे और अपना मोबाइल नंबर तो दोनों लिंक हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ दी फंक्शनल नंबर, आपका जो नंबर है वो तो पता है, पर आप किस ट्रेन नंबर में हो ये आपने फंक्शनल एचएलआर में, आपने जैसे ही नंबर डाला अपना नंबर और ट्रेन नंबर, वो फंक्शनल एचएलआर में चला गया। और फिर कोई यूजर आप किसी को भी या तो ट्रेन नंबर से डायल कर ले या तो उसके ट्रेन नंबर से या तो उसके मोबाइल नंबर से। तो ये फीचर किसके, इसको बोलते हैं फंक्शनल एड्रेसिंग, मतलब फंक्शन के थ्रू हमको जो चाहिए वो, ठीक है। एग्जाम पूछता है फंक्शनल एड्रेसिंग होता है कि नहीं, लोकेशन एड्रेसिंग होता है कि नहीं, ये सब सारा फीचर जीएसएमआर में होता है, लोकेशन डिपेंडेंट एड्रेसिंग। लोकेशन डिपेंडेंट एड्रेसिंग अलाउ द रूटिंग ऑफ ए मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल टू द करेक्ट कंट्रोलर बाय इवैल्यूएटिंग द मोबाइल सबसे एक्चुअल लोकेशन एट द टाइम। आप जिसे पहुंचे तो आपको एक बटन दिया हुआ है कंट्रोलर, ट्रेन तो 100 की स्पीड से जा रही है, मान लो सेक्शन अपना दूसरे सेक्शन में चली गई, लेकिन उसको तो बटन एक ही है, लेकिन वो लोकेशन से देखेगा कि लोकेशन भाई ये आ गया, मतलब जो पोल नंबर 500/3 आ गया, तो मतलब दूसरा कंट्रोलर, तो अपने ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। आप उस बटन को प्रेस करोगे तो कंट्रोलर दूसरे कंट्रोलर को रिंग जाएगी जो अगला वाला है। तो इसको बोलते हैं लोकेशन डिपेंडेंट एड्रेसिंग, मतलब लोकेशन के हिसाब का आपका जो डायलिंग है वो ऑटो चेंज हो जा रहा है। ये फंक्शनल एड्रेसिंग में हो गया ट्रेन नंबर, लोकेशन डिपेंडेंट में हो गया कि मतलब कंट्रोलर का जो नंबर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इनहांस मल्टी लेवल प्रिसिडेंस एंड प्रिमिशन, EMLLP, इसका एक तो फुल फॉर्म ही आप नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म पूछता है कि फुल फॉर्म क्या होता है। इनहांस मल्टी लेवल प्रिसिडेंस एंड प्रिमिशन सर्विस प्रिवेंट नेटवर्क कंजेशन वाइल इंश्योरिंग प्रायोरिटाइज कनेक्शन फॉर इमरजेंसी सिमुलेशन एंड स्पेसिफिक इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए ये यूज होता है। इमरजेंसी बटन अगर आप प्रेस करोगे तो ये सर्विस का यूज करते हुए असाइन ए प्रायोरिटी लेवल, ये उसमें नहीं रहता है, जीएसएम आर में दिया गया है कि हमको इमरजेंसी भी तो चाहिए, तो इमरजेंसी के लिए ये दिया गया, असाइन ए प्रायोरिटी लेवल पर कॉल सेटअप एंड कॉल कंटिन्यूटी इन केस ऑफ दी हैंडओवर। मतलब अगर आप हैंडओवर कर रहे हो तो आपको उस एरिया में जितने भी जीएसएम चैनल है तो सबसे पहले आपको मिलेगा, बाकी चैनल को टर्मिनेट करें। इन दिस अब्सेंस ऑफ आइडल रिसोर्सेज ए कॉल ऑफ हायर लेवल प्रेजेंस कैन बी सीज द रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड फॉर कॉल ऑफ ए लोअर प्रेजेंस। कोई लोअर जिसे जो यूज कर रहा है, मान लो सेंटर यूज कर रहा है उसको या एसएनटी वाला मेंटेनेंस के लिए यूज कर रहा है तो कॉल को टर्मिनेट करेगा और आपको दे देगा इमरजेंसी के लिए, तो वो उस चीज को इसके थ्रू करते हैं। अब जीएसएम और जीएसएमआर का नेटवर्क आप कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि जीएसएम क्या है और जीएसएमआर क्या है। ठीक है, तो एचएलआर, वीएलआर, ऑथेंटिकेशन सेंटर सब उसमें भी था, बीएससी बीटीएस तो सब सेम ही है, जो अपना है जो पहले था जीएसएम में वही अभी है, ईआईआर भी पहले था, अभी बीएमएस एसएमएस और ये आ गया अपना जीसीआर, जीसीआर उसके लिए आया था। ये फ्रीक्वेंसी बैंड जीएसएमआर का जो यूज होता है, अपलिंक फ्रीक्वेंसी इतना और डाउन लिंक 950, तो 907 से 950 ये हो गया F1, F2, ये फ्रीक्वेंसी 900 का बैंड, जीएसएमआर फ्रीक्वेंसी जो है 900 बैंड का यूज किया हुआ है। जीएसएम हैंडसेट देख लो, ये तुम्हारा है जनरल पर्पज रेडियो, संटिंग जीपीएस, और ये हो गया ओपीएस हैंडसेट, ये एमएमआई देख लो जिसका है, जीएसएमआर कैब रेडियो जो अपना टेट्रा में दिखाया था वही चीज। द कैब रेडियो ट्रांसीवर यूनिट, द ड्राइवर कंट्रोल पैनल एंड एसोसिएटेड हैंडसेट एंड लाउड स्पीकर, वन एंटीना टू सूट द पर्टिकुलर व्हीकल, पावर सप्लाई कितना 24 वोल्ट डीसी पे काम करता है,
ये अपना जो GSMR है वो काम करता है 24 वोल्ट DC कैब रेडियो इक्विपमेंट। अपलिंक डाउनलिंक, अपलिंक फ्रिक्वेंसी हमेशा कम रहता है, डाउनलिंक हमेशा ज्यादा रहता है, 907 से इतना। ठीक है, अगर अपलिंक इतना है तो डाउनलिंक ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये मैंने पंक्तियां चरण बताइए, इसमें कुछ डाउट? तो जो जीएसएम है उसी का एडवांस वर्जन GSMR है, बाकी सब सेम है, सब कुछ सेम है, बस इसमें जो जो उसमें ड्रॉबैक थे, जो हमको रिक्वायरमेंट थी रेलवे में, वो रेलवे के हिसाब से उन्होंने उसको बना दिया, तो रेलवे के हिसाब से बनाने के लिए GSMR इन्होंने डिफाइन कर दिया। पहला क्या था, ब्रॉडकास्ट का नहीं था, फंक्शनल एड्रेसिंग नहीं था, तो फंक्शनल एड्रेसिंग जीएसएम में नहीं होती, जीएसएम में आर में होती है, और लोकेशन डिपेंडेंट एड्रेसिंग, ये दो एड्रेसिंग GSMR में होता है। इसमें देखो थोड़ा क्वेश्चन करेंगे अपन, मॉडल क्वेश्चन, फिर अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी अलॉटेड WPC वायरलेस प्लानिंग एंड पार्टनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे इज बाय ऑफ दी 146 to 174 MHz, ये BHF का है आपका। अब देखो जो आपको बोला था, इंक्रीजिंग दी नंबर ऑफ सेल इन दी क्लस्टर ए डायरेक्शनल एंटीना इज बेटर सोल्यूशन फॉर दी रिड्यूसिंग दी कोएक्सियल इंटरफेरेंस। तो जो आपको बताया था 3 डायरेक्शनल एंटीना 120 एंगल पे लगा देंगे, वो चीज देखो यहाँ पे पूछा गया है, ये क्या है, ट्रू। अब तीसरा पूछ रहे हैं, ईच सेल कैन बी डिवाइडेड इन टू 3 to 6, 3 to 4 है, 3 to 5, तो 3 to 6 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं उसको। ठीक है, या तो 3 में करो या तो 6 में करो, 3 4 नहीं, 4 5 भी नहीं, 5 6 भी नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, ईच सेल कैन बी डिवाइडेड इन टू 3 to 6 सेक्टर। द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज इन जीएसएम इन जीएसएफ 900 बैंड, व्हिच फ्रीक्वेंसी बैंड यूज फॉर अपलिंक इज 892 915 MHz। अब देखो इन जीएसएम 900 नंबर आप अवेलेबल आरएफ चैनल है 124, ये लिख लेना, यही 4 5 क्वेश्चन है, इसी में से एक पूछा जाएगा। इन जीएसएम 900 बैंड द नंबर ऑफ अवेलेबल आरएफ चैनल विल बी 124। ठीक है, और 200 का वो स्पेसिंग होता है, ये देखो 900 चैनल स्पेसिंग विल बी 200 किलोहर्ट्ज़ में, 124 चैनल होता है, 200 किलोहर्ट्ज़ का चैनल स्पेसिंग होता है। इन जीएसएम 900 बैंड द डुप्लेक्स स्पेसिंग विल बी 45 MHz, डुप्लेक्स स्पेसिंग कितना होता है, 45 MHz होता है, 890 प्लस 45 935, उतना इसमें स्पेसिंग होता है। ठीक है, फुल रेट चैनल ऑपरेट इतना, देखो ये कैपेसिटी भी बता दिया, जो अगर 64 kbps रहता है वो कोडर यूज करके उसको हम लोग किसमें ले आते हैं, 33.8 kbps। इन जीएसएम 900 के फुल रेट चैनल ऑपरेट है 33.8 kbps, जीएसएम 900 इतना इसका फुल कैपेसिटी है। ये जीएसएमआर कैब रेडियो ऑपरेट इनटू 24 वोल्ट DC, तो जीएसएमआर कैब रेडियो किस में ऑपरेट करता है, 24 वोल्ट DC में यूज चलता है। इन जीएसएमआर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पेयर आर यूजिंग प्रेजेंटली 8 नंबर ऑफ पेयर फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है। ये देखो इरसेट का एक नोट्स दिया हुआ है, ये इरसेट की आप बुक देखेंगे, इसमें आप फुल फॉर्म दिया हुआ है सब सबका, कैब रेडियो डायरेक्ट मोड क्या होता है। ठीक है, ये सब फुल फॉर्म आप देख लीजिए, एक पूछता है IMEI नंबर क्या है, IMSI क्या है, ये आप लोग देख लीजिएगा, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है सब, ये देख लीजिए, इसी में से पूछा जाएगा। तो आपको और इसका नीचे आंसर भी दिया हुआ है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसी में से एक पूछा, 100% इसी में से आएगा, देखो सारा क्वेश्चन यही है।
जो मैंने पढ़ाया, DYR सिंप्लेक्स मोड, डुप्लेक्स मोड जो भी है सब इसी में है। DYR रेडियो, फंक्शनल ऑफ सिम स्टोरेज, सब्सक्राइबर सब पूरा दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं इसको दे दूंगा। इससे पूछे, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अभी आपका बच गया है VHF, तो मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और बताइए, हेलो, बोलिए भाई लोग, खत्म करें लेक्चर, हाँ जी, कंटिन्यू करें आगे। और कुछ डाउट हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो एक्सप्लेन कर दिया, और ये मैं दे देता हूँ डेटा, ये वाला जी क्वेश्चन आप जी देख लीजिएगा, उसी में से एक आएगा ये क्वेश्चन। तो आपको जी जी क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको देख लीजिएगा, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट तो नोट करा दिया है, उसको नोट कर लीजिएगा और एक दूसरे को दे लीजिएगा। अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा। 10-20 ठीक है क्वेश्चन, सर, उसमें से एक दो क्वेश्चन तो आता ही MTRC पे, और वो क्वेश्चन होना ही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। GSM बता दिया, GSMR हो गया, टेट्रा हो गया, तीन चीजें हमने खत्म कर दी, और एक क्वेश्चन हो गया। हाँ, कौन था ऑब्जेक्टिव वाला ना? हाँ, वो भी दे दूंगा, वर्ड वाला भी दे दूंगा और ये भी दे दूंगा। ठीक है, जी चलो मेहनत करो यार तुम लोग, काफी आप लोगों का तो हो ही जाना चाहिए, 90 आप लोगों का। ठीक है, ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सैटरडे को है मेरा अगला लेक्चर, तो उसमें बाकी जो भी डाउट रहेगा आप लोग लिख लेना, तो पूछोगे तो मैं बता दूंगा, उसमें TMS पढ़ाऊंगा और बाकी जो जो चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोग पूछो, और जितना पूछोगे उतना आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।